जी हो गई। हाँ ठीक हो गया। ओके सो बैक टू लेक्चर टू, वी वर डिस्कसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और हम हर स्टेक होल्डर का इसमें रोल देख रहे थे कि किसका क्या रोल होता है, किसके पास कब काम आता है, क्यूए का बंदा किस किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, कैसे मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, हाउ यू कैन गेट प्रोजेक्ट्स इन केस यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट कैसे आपके पास आता है और उसके बाद क्लाइंट इंट्रैक्शन आप कैसे करते हो, टेक्निकल लीड कब इन्वॉल्व होता है, आर्किटेक्चर लेवल पे चीज़ें कब जाती हैं और WCG का थोड़ा सा हमने देखा था। तो व्हाट आई रिमेंबर के मेनली जो हम प्रोसेस पढ़ रहे थे दैट वाज प्रोजेक्ट बेस्ड और मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट बेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट? जी अच्छा, तो प्रोडक्ट बेस्ड बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और प्रोडक्ट बेस्ड थोड़ा सा डिफरेंट करता है प्रोजेक्ट से, इसलिए कि आपको प्रोडक्ट की मैंने डेफिनेशन लास्ट टाइम बताई थी कि होता है वो भी प्रोजेक्ट है लेकिन वो आपका इंटरनल होता है। अब इंटरनल कैसे होता है कि एक आइडिया को लेके, एक यूनिक आइडिया को लेके आप काम करते हो, उस पर अपने रिसोर्सेज को इंगेज करते हो, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हो और लेटर ऑन उस प्रोडक्ट को इतना मेच्योर करते हो कि बाद में आप उसको सेल करके उससे पैसे अर्न कर सको। ऑलराइट जी सही। अब क्वेश्चन मेरा ये है आप दोनों से कि ये जो प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि होता ये भी प्रोजेक्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट कैसे आती होंगी, आप दोनों के माइंड में क्या आता है, हाउ कैन वी लाइक एनालाइज दैट कि इसकी रिक्वायरमेंट्स हम कैसे गेन करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा कैसा, कौन स्टेक होल्डर होगा, कौन क्लाइंट होगा, जहन में कुछ बातें आ रही हैं कंसिडरिंग के प्रोजेक्ट्स को भी माइंड में रखें जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अब प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट कैसे आ रही है हमारे पास, कौन क्लाइंट होगा, सोचें मैं अपने फैन थोड़ा ऐसा कर दूँ ताकि आवाज़ आपको क्लियर आए, सोचें। हाँ जी बताएं जी कैसे, मैं मेरे ख्याल से हम खुद ही स्टेक होल्डर होंगे इसमें। खुद ही कैसे, मतलब कोई एक स्पेसिफिक रोल तो होगा ना, हम अब एक टीम में 8 बंदे हैं 10 बंदे हैं, हम इतने कह सकते हैं कि हम हो भी सकता है, लेकिन मैं मोर जेनेरिकली पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन हो सकता है, कैसे आइडिया पिंच होगा कि हमने प्रोडक्ट बनाना है, कौन इसका मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, कौन मेन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे। प्रोजेक्ट तो हमें क्लियर है कि मैंने कहा ऑफशोर कहा था कि आप बाहर से भी ले सकते हो, लोकल भी ले सकते हो, अगर बाहर से है तो आप स्काइप सेशन करोगे, जूम पे सेशन कर सकते हो, लोकल है तो जस्ट हैव अ कप ऑफ टी और आप उसको कहो इनवाइट देखे कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ रिक्वायरमेंट। अब आ रही है बात प्रोडक्ट की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बात कह चुका हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और आई प्रेफर बी लाइक दैट, लेकिन उनमें काम कैसे होता है हमारा। तो एजेंडा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हेलो समझ आवाज आपकी कट रही है, मैं कह रहा हूँ कुछ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज भी सुन कटी थी, खैर बोले क्या कह रहा, मैं वही क्वेश्चन पे हूँ अपने इतनी देर से कि यू हैव आइडिया कि कैसे क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कैसे काम आता है। यार कस्टमर जितना मैं इस प्रोसेस को समझाऊंगा एक चीज पे जो ना अपनी डिफाइन है कि इंटरनल पूरा काम होता है, तो इंटरनल प्रोडक्ट है, इंटरनल पूरा प्रोसेस चलता है। इसके अंदर आपको स्टेक होल्डर कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं वो भी हो सकते हैं जो उस कंपनी को रन करते हैं एक्चुअली, जिसको हम लोग साइलेंट फीचर्स कहते हैं टेक्निकल बोले तो, जो साइलेंट रूम होते हैं तो वो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। ये आपके वो लोग जो उस बिजनेस को रन कर किसी के बिहाफ के ऊपर, वो जो बीच के जो लोग होते हैं। आसिम आप कुछ ऐड करोगे, आसिम आप कुछ ऐड करोगे? हां जी आसिम भाई, मेरा भी यही हेलो जी मेरा भी यही जी, कंपनी के जो लोग हैं खुद के वही होंगे इसके स्टेक होल्डर।
अच्छा, बेसिकली इसमें होता ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो हमेशा एक यूनिक सेलिंग आइडिया आपका होता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हो, कितना वो मार्केट कॉम्पिटेटिव है, कितना वो मार्केट भी आपको फ़ायदा देता है, यूनिक सेलिंग। तो आपका जो सीईओ होता है इस केस में, जो कंपनी का ओनर होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, बेसिकली आपका क्लाइंट भी वो होता है, क्योंकि आइडिया भी वो ला रहा होता है, होता है एवेंचुअली उसका प्रोडक्ट है। आप कंपनी में एक साल काम करोगे, दो साल काम करोगे, हद है 3 साल 5 साल कर लोगे, उसके बाद आप शायद रिजाइन पुट करके चले जाओ, लेकिन उसने जो प्रोडक्ट उस टाइम पर बना लिया होगा दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट, और उससे वो फिर पैसे अर्न कर रहा होगा। तो होता क्या है, कॉमन सी एग्जाम्पल देता हूँ कि 2014-15 की बात ही आपको याद होगा, वो जो पिशावर में अटैक हुआ था स्कूल पे, आर्मी पब्लिक था कौन था, तो उस चीज़ से आइडिया लेके जो हमारा सीईओ था आसिफ जब्बार उसका नाम है, उसने एक सोचा कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा स्काटा के नाम से, जिसकी मैं भी आपके साथ थोड़ी देर में स्क्रीन भी शेयर करूँगा, और मोस्ट लाइकली थर्ड लेक्चर में हमारा थोड़ा सा टेस्ट प्लान भी इसी पे डिस्कस होगा। एक मिनट, स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी जी? स्काटा का जो एक प्रोजेक्ट खुला हुआ नज़र आ रहा है आपको? हाँ, कहने का मकसद ये बेसिकली एक स्मार्ट कार्ड अटेंडर सोल्यूशन था फॉर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, RFID, बायोमेट्रिक, बच्चों के लिए अलग फीचर्स थे इसमें। तो उसके जहन में एक आइडिया प्रपोज आया कि अब मार्केट बहुत उन दिनों ना काफ़ी ज़्यादा लाइक धमाके काफ़ी पाकिस्तान में उन दिनों हो रहे थे, हर थोड़ा देर बाद कुछ ना कुछ हो जाता था, तो वे बैक इन 2014-2015। तो उसने ये आइडिया लिया और आके अपने एक टेक्निकल आप कह लो आर्किटेक्ट बंदे से रेस किया कि मैं ये बनाना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि उसने सोच लिया तो बस बनाना नहीं है, पूरी इसमें म्यूचुअल कंसेंसस होती है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमें कैसे फायदा, क्योंकि उन दिनों ये सिक्योरिटी वाली डिवाइसेस काफ़ी इन थी, हर कोई चाह रहा था कि हम अपनी एज मच एज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। एक सिंपल एक एग्जाम्पल जहन में आ रही तो इसको रिलेट कर रहा हूँ। तो उसके जहन में भी ये चीज़ आई और उसने कहा ये मैं बनाऊंगा और लेटर ऑन फिर इसको पिंच करूंगा, कुछ मैं चैरिटी वर्क के लिए करूंगा, कुछ जो गरीब स्कूल हैं, जो छोटा सा सेटअप है उनमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिवाइस डिप्लॉय करूंगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हुआ क्या, उसने प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे भी इन्वॉल्व किया और एक दो बंदे से मीटिंग की कि ये मैं सोच रहा हूँ। अब होता क्या है कि प्रोडक्ट पेज पे भी आपका आइडिया मेन वही रहता है कि आपने मीटिंग्स करनी है। अब मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं ही था स्टार्टअप का प्रोजेक्ट मैनेजर, तो मैंने सारे रिक्वायरमेंट्स उसकी जो थे लिखता गया। फिर मैंने एक अपनी टीम के साथ जो स्क्रम कह लो या नॉर्मल मीटिंग कह लो, जो कि स्क्रम के टाइम फ्रेम के मुताबिक तो नहीं थी, मतलब एक डेढ़ घंटे की मैंने मीटिंग की और मैंने कहा कि यार ये सीईओ सोच रहा है, हमने काम करना है, तुम लोगों का क्या लाइक इस पर फीडबैक है। नेक्स्ट डे फिर एक थोरो मीटिंग होती है जिसमें आपकी पूरी प्रोडक्ट टीम इन्वॉल्व होती है, आपका सीईओ होता है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, डिज़ाइन की टीम होती है, क्यूए की टीम होती है, नेटवर्क की टीम होती है, और उसमें फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है सबके सामने अपना आइडिया जो सीईओ ने बताया होता है वो प्रपोज करता है, विच क्लियरली शोज़ कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमारा सीईओ है, कि वो हमें रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि मैं ऐसी ऐप चाह रहा हूँ, मैं ऐसी वेबसाइट चाह रहा हूँ, मैं ऐसा प्रोडक्ट चाह रहा हूँ। और क्योंकि ये सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है और कभी भी हमारे सीईओ ने ये नहीं कहा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, सबकी फीडबैक आएगी, जिस तरह आसिम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, ताबिश भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि मेरे ख्याल से ये फीचर इस तरह नहा हो सकता है, स्काटा में हम ये ऐड कर सकते हैं ये। अब आप समझो कि दो घंटे की एक कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस कॉल में हर बंदे की तरफ से एक इनपुट आ रहा है, मल्टीपल माइंड्स मिले, इसको वैसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के टर्म में ब्रेन स्टॉर्मिंग, होपफुली आपने लव सुना होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग जी, ठीक है, मतलब हर बंदा अपना आइडिया पिच कर रहा है, ताबिश भाई बोल रहे हैं कि ये चीज़ कर दो, आसिम बोल रहा है ये कर दो, मैंने कहा ये कर दो। अब आप लोगों के ख्याल से जिस तरह हम प्रोजेक्ट में डिस्कस करते थे कि रिक्वायरमेंट वाला बंदा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता था, आपके ख्याल से ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, हवाई बातें हो रही हैं कि तुम ये कर दो ये कर दो, ये कोई ना कोई बंदा नोट तो कर रहा होगा ना, ताकि हमारी डिस्कशन ज़ाया ना जाए। जिस तरह अभी मैं कॉल कर रहा हूँ तो ताबिश भाई इज़ रिकॉर्डिंग द कॉल, विच मीन्स के लेटर ऑन ये सुन सकते हैं, वैंचली इनको फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें इसका रोल ये होता है कि जो भी आपकी मीटिंग हो रही है उसमें अच्छे नोट्स लेना, आप चाहो तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मुझे भी याद है कि मैं कुछ जगहों पे अपने मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता था, या कुछ सर्टन टूल्स मैं लैपटॉप पे यूज़ करता था जो कि एज अ रिकॉर्डर यूज़ होते थे, और बाद में मैं उनको मीटिंग मिनट्स को रिहैश करता था। तो पहला पॉइंट समझ आया कि मैंने ये कहा कि जब आपने मीटिंग कॉल की और हर बंदे ने अपना आइडिया प्रपोज किया, जिसको मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कह रहा हूँ, उसमें आपका एक कोई बंदा होगा, और मुझे ताबिश भाई बताएंगे कौन बंदा है वो जो नोट्स ले रहा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। वेरी गुड, प्रोजेक्ट मैनेजर सारे नोट्स ले रहा है। जब 2-2.5 घंटे बाद वो मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद आपका सीईओ आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से ये बात कहेगा कि आप
इसको रीहैश करो, रीहैश का मतलब है कि बताओ हमने क्या डिस्कस किया है। अब वो सारे पॉइंट्स बताएगा, ये हुआ ये, ताकि एक दफ़ा सारे एक पेज पे हों, सारे सिंक हों। ये ना हो कि मीटिंग के रूम से बाहर जाएं तो आसिम कह रहा हो ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ था, ये डिस्कस हुआ, ताबिश भाई कहें यार ये नहीं है, ये डिस्कस हुआ था। जिस तरह अक्सर हमारे पहले दो लेक्चर में मैंने नोट किया, ताबिश भाई वॉइस रिकॉर्डिंग भेजते थे यार ये चीज़ समझ नहीं आई है। अब क्या फ़ायदा होगा, रिकॉर्डिंग ऑन है, किसी भी टाइम रिकॉर्डिंग प्ले की और सुन लिया कि एग्जैक्टली क्या बात हुई थी, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो सेम मैं क्या करूँगा कि मैं एक वेल रिटन डॉक्यूमेंट कंपाइल करूँगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि पहले दो लेक्चर्स थोड़े ऐसे हैं जो कि सिर्फ क्यूएरी हर एक स्टेक होल्डर से लिंक्ड होंगे, तो एज अ पीएम मैं क्या करूँगा, मैं एक डॉक्यूमेंट कंपाइल करूँगा जिसको मैं कहूँगा मीटिंग मिनट्स। नाम होपफुली सुना होगा इसका। सुना हो जी, सुना हुआ है। अच्छा, इसका पैटर्न क्या है, ये होता क्या है, ये मैं ये भी आप लोगों से शेयर कर लूँगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी कहा था कि यू गाइज हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी कि आप लॉन्गर रन में चाहो तो इस डोमेन में स्विच हो सकती हो, क्यूए से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फ्रॉम कैरियर बूस्ट परस्पेक्टिव। अच्छा, ये आपके सामने एक टेम्पलेट शो कर रहा हूँ जो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करता हूँ, नज़र आए तो बताना। जी आ रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट। ये फर्ज करो, ये फर्ज मीटिंग हुई, मीटिंग में ताविश भाई हैं, मीटिंग में मैं हूँ, मीटिंग में क्या कहते हैं आसिम भाई हैं। अब हमने क्या किया कि मैं एज अ पीएम ये नोट कर रहा हूँ और ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, ये मीटिंग के नोट्स हैं, कौन किस डेट पे मीटिंग हुई, कौन पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं, लोकेशन क्या थी, मीडियम क्या था, किसने डॉक्यूमेंट बनाया, लास्ट डेट क्या थी, इशू सेव डेट क्या है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इसके आपके एक्शन आइटम्स क्या हैं। सिर्फ ये नहीं कि मीटिंग हो गई, अगले हफ्ते फिर मीटिंग होगी, पता लगे हमने कुछ किया नहीं है। एक्शन आइटम के बाद एक्शन आइटम को असाइन करना कि आसिम क्या करेगा, ताबिश क्या करेगा, और हम अगले वीक जब आएंगे तो कितने परसेंट काम खत्म हो। आप देख रहे हो एक्शन, डिस्कस आइटम, किसको असाइन है, ड्यू डेट क्या है, ये तीन कॉलम विल बी एनफ। बात समझ रहे हैं जी, कि मैंने एक नोट्स, अब इस वाली चीज को जो मैंने, अब देखो क्या किया, हारिस, कैंट, अली, तारिक, साकिब, मुस्तफ़ा, कासिम, मैंने अपना भी कि मुझे भी क्या टास्क साइन है, ये नहीं कि मैं पीएम हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाऊँ, सबके लिखे और एक डॉक्यूमेंट अच्छा सा बना के एक सेंट्रलाइज जगह होती है जिसमें टेक्निकली अगर बात करूँ, आई होप के ताबिश भाई कुछ आइडिया हो, शेयर पॉइंट का लव सुना है? जी, सुना है। ठीक है, शेयर पॉइंट एक सेंट्रलाइज साइट होती है जहाँ पे आप अपलोड कर देते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, उसको क्लाउड बेस पे कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसको आपने परमिशन दी हुई हो। तो मैं करूँगा क्या कि मैं डॉक्यूमेंट जाके सिर्फ शेयर पॉइंट नहीं, मैं चाहूँ तो उसको जीरा पे, बेस कैंप पे, या जो भी टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि पीएम जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स उसने मीटिंग लिखी होगी ताकि सारे एक पेज पे रहें। आसिम, इसका फ़ायदा क्या है, अगर ये जो मीटिंग मिनट्स मैं भेज रहा हूँ इवेंचुअली इसका फ़ायदा क्या है? जी कासिम, सब एक पेज पर आ जाएंगे। हाँ, उसमें ये होगा कि एक तो ब्लेम गेम नहीं होता कि यार हमने डिस्कस ये किया था, पीएम कह रहा है मैंने कुछ किया, डेवलपर कह रहा है मैंने कुछ समझाया, सारे एक पेज पे होंगे। और तो फिर सीईओ देखता भी है मिनट्स को कि हाँ ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया हो और यहाँ पे लिखा ना हो, या कुछ एक्स्ट्रा डाला हो पीएम ने वो डिस्कस। तो इसका ये मतलब नहीं कि जिसने जो बोला वो पॉइंट डाल दिया, इसको आप एक वैलिड फॉर्म में फिर रिफाइन करते हो। जब इसमें से आप फॉर एग्जाम्पल 200 पॉइंट डिस्कस हुए हैं, 200 पॉइंट में से आप फर्दर समझ लो कि 100 पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हो कि ये मेरी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, और बाकी जो 100 हैं आप कहते हो ये मैं फेज़ टू में करूंगा। या कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं कि आप कहते हो यार ये हमारे स्कोप का हिस्सा नहीं है। अब आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते, ताबिश भाई कुछ कह रहे हैं मैं कहूँ ताबिश भाई आपने गलत बात बोली, ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मीटिंग में जो बंदा बोल रहा है ही और शी हैज़ राइट टू से एवरीथिंग रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, पीएम सिर्फ नोट करेगा। हाँ, बाद में हो सकता है कि पीएम उसको डिस्कार्ड कर दे कि यार ये पॉइंट थोड़ा वैलिड नहीं है, या ये अभी स्कोप का पार्ट नहीं, इसको फेज़ टू में कर लेंगे, ये देखेंगे मार्केट में कैसा हमारा जाता है एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट का, उसके बाद समझ रहे ना। जी, फिर जो वैलिड पॉइंट्स होंगे ना, जो वैलिड पॉइंट्स मतलब जिस पे हम सबकी सिंकिंग होगी, सीईओ भी कह रहा होगा, आप भी कह रहे होगे, मैं भी कह रहा हूँ, उस वैलिड पॉइंट्स का एक डॉक्यूमेंट बनेगा। ताविश भाई, इस डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे? एसआर। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। उस डॉक्यूमेंट को आप कहोगे एसआरएस, वहीं से आपका एसआरएस जनरेट होगा जो कि वैलिड पॉइंट है प्रोडक्ट के केस में। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना, प्रोडक्ट के केस में इस तरह आपका एक एसआरएस जनरेट होगा। और एसआरएस कह लो या छोटा सा कह लो, इस तरह मेरे मीटिंग मिनट्स का आपको डॉक्यूमेंट दिखाया, इसी को मैं थोड़ा रिफाइन कर लूँगा अच्छा, तो एक एसआरएस डॉक्यूमेंट भी बन सकता है। क्योंकि आपको पता है एजाइल और स्क्रम की टर्मिनोलॉजी में जब भी मैं बात करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि बैकलॉग जनरेट हो, और बैकलॉग में कुछ डॉक्यूमेंट वॉकूमेंट नहीं होता, सिर्फ आप टिकट्स जनरेट करते हो और टिकट्स को पुट करते हो और अपना बैकलॉग क्रिएट करते हो। लेकिन नेवर द लेस इट्स अ गुड थिंग कि आप एक डॉक्यूमेंट भी छोटा सा बना लो ताकि फ्यूचर में किसी को, क्लाइंट को सेंड करना हो या वैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी को बताना हो कि क्या रिक्वायरमेंट्स, किसी को जीरा का बेस कैंप का एक्सेस ना हो तो आप उसको डॉक्यूमेंट, इट्स ऑलवेज हेल्दी कि आप दोनों अप्रोच यूज करो। राइट, अच्छा एक सवाल है, ये एसआरएस और वीआरएस दोनों अलग अलग चीज़ें सेम ही चीज़ हैंगी?
इस पे मैं आता हूँ, SRS, BRS, FRS, तीनों चीजें मोरलेस सेम है, लेकिन 19-20 का फर्क क्या है, मैं बताता हूँ फर्क क्या है। अभी तक यहाँ क्लियर हुआ कि वैलिड पॉइंट्स क्या थे? जी। अच्छा, बाकी जहां तक बात है कि अगला प्रोसेस क्या होगा, वो आपका इंटरनल है। इंटरनल सेंस में कि अब ये वो एक सेपरेट चीज थी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला जो फेज है प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। इस सेंस में डिफरेंट हो रहा है कि प्रोजेक्ट के केस में इंटायरली डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोडक्ट के केस में आप डिफरेंट पाथ से चलते हो। तो पॉइंट अब ये सिर्फ कि आप जब नेक्स्ट फेज बाकी चार हैं वो इस पर सेम चलाते हो, जिस तरह डिज़ाइन है। अब अगेन एज अ प्रोडक्ट ओनर प्रोजेक्ट मैनेजर मैं रेगुलर मीटिंग्स करूँगा, लेआउट डिस्कस करूँगा, यूएक्स यूआई के लिए बाल्सामिक टूल यूज़ करूँगा, फिर एचटीएमएल पर जाऊँगा, मतलब जो हमने प्रोजेक्ट में डिजाइन डिस्कस नहीं की थी बाकी सारा प्रोसेस वो चलेगा। लेकिन इस केस में मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस इसलिए होगा, लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट ईजी है, कि आपका अपना क्लाइंट है, आपका अपना सीईओ है, तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली थिंग। आपके अपने सीईओ के केस में चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए हो जाती हैं कि सीईओ ऑफिस में बैठा है, किसी भी टाइम वो मीटिंग कॉल करके कहेगा बताओ क्या प्रोग्रेस है। क्लाइंट तो माइंड भी दो दिन बाद पूछ ले, चार दिन बाद पूछ ले, छः दिन बाद पूछ ले, लेकिन जो सीईओ है वो किसी भी टाइम, मुझे याद है कि मेरी दो दो ढाई ढाई घंटे की मीटिंग्स भी एक टाइम पे होती थी कि अब क्या प्रोग्रेस है। अच्छा, उसको विजुअल्स दिखाने होते थे कि चार्ट्स कितने बने हैं हमारे, मतलब वो स्टैट्स ज़्यादा लाइक करते हैं थ्रेटिकल डाटा की नस्बत। तो मैं जीरा से या बेस कैम्प से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके उसको बताता था कि यहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? हाँ, समझ गए। तो दिस इज द वे के पुट। बाकी चीज़ें जो है आपकी मेंटेनेंस तक वो सेम रहेंगी, लेकिन ये होता है कि इसमें होता है एंड में क्या है कि जब आपका एक प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो उसको मेच्योर करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सम टाइम मार्केट में प्रोडक्ट जाता है तो उसमें चीज़ें बंदा लाइक, जिस तरह मैंने अभी आपको स्काटा खोल के दिखाया हुआ था, इस पर काफ़ी होमवर्क किया है। ये जब मैं नया नया इस कंपनी में हायर हुआ था तब ये प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ था, और जब मैं लाइक वहाँ से मैंने रिजाइन पुट किया तो उस टाइम ये मार्केट में आ चुका था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक अब इसमें उन्होंने काफ़ी फीचर डाल दिए। इस तरह आप देखो ये पोर्टेबल अटेंडेंस सोल्यूशन, इंस्टेंट नोटिफिकेशन, नज़र आ रही ना स्क्रीन? हाँ, नज़र आ रही। ऑफलाइन फीचर, स्मार्ट कार्ड, यूनिवर्सल कार्ड, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने बाद में ऐड की हैं, और फिर लिखा है, फिर कस्टमर्स की फीडबैक है। अब माशाल्लाह ये इतना है कि काफ़ी जगह ये बिक चुका है। अब आप देखो यूनिवर्सिटी कॉलेज इस्लामाबाद में ये डिप्लॉय हुआ है, इसी तरह कुछ इन्होंने चैरिटी वर्क यूज़ किया था वहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है, कुछ स्कूल को इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था वहाँ पर डिप्लॉय हुआ है। तो विच मीन्स के इनका प्रोडक्ट ये अच्छा। इस तरह का एक और प्रोडक्ट है जो ऑन एंड ऑफ हम डिस्कस हम करते रहेंगे, एवरी कैटलॉग के नाम से, जो कि ई कॉमर्स साइट है। इस तरह के दो तीन उनके और भी प्रोडक्ट्स थे। अब ये हो क्या है कि इन्होंने 2-2.5 साल लगा के ना, 2014 से समझ लो कि 2017 तक मैंने वहाँ काम किया, और वहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया, इस सिर्फ प्रोडक्ट पे फीचर्स डाले, इसको मेच्योर किया। इस अंकल को ताबिश भाई कहते हैं मैं प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, तो ताबिश भाई सिर्फ फ़ौरन से लॉन्च नहीं कर देंगे, होमवर्क करेंगे क्या बनाना है या यूटिलिटी क्या है, किस तरह क्लाइंट आएंगे, किस तरह इस पर कस्टमर आएंगे, कैसे मुझे फ़ायदा दे, कैसे ऐसी। अब देखो इस तरह की चीज़ तो मार्केट में हज़ार पड़ी होंगी ना, अब हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है दूसरे कस्टमर से, वो चीज़ भी मैटर करती है। जब मार्केट में जाएगा लोग कहेंगे ऐसी चीज़ें, तो पहले जिस तरह हमारा FIP होता था याद हो, तो लोग कहते थे ये आइडिया तो पहले आया हुआ है, ये तुमने क्या बनाया है, तो हम सोचते थे कि यूनिक आइडिया हो, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है जी। तो दिस इज़ द गेम कि आप फिर ऐसी चीज़ लेके आओ जो कि मार्केट में पहले ना आई हुई हो, और सबसे बड़ी चीज़ होती है फिर आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सेल करो, अपने कस्टमर को बढ़ाओ कि वो कहेंगे हाँ ये कोड एक कंपनी जो फ्री देती है यार, इधर से हम। जैसे जैसे आपकी मार्केटिंग बढ़ती जाएगी, वर्ड ऑफ माउथ है, फिर आप ऐसा ऐसा उस चीज़ की तरफ लाइक फर्दर आओगे। तो दिस इज़ हाउ कि अब ये माशाल्लाह इंटरनेशनल कस्टमर्स भी कुछ आ गए हैं और लोकल कस्टमर्स भी हैं। इसका प्रोसेस पूरा क्या है थोड़ी देर में हम देखते हैं, इवन दो कि आपको उसका पूरा आइडिया हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा आज लेक्चर 3 के बाद तब ज़रूर फ़र्क पड़ता होगा, होना चाहिए कि एग्जैक्टली मैं किस चीज़ से बात कर रहा हूँ। बाकी लेट्स मूव टू इट्स साइकिल, कि साइकिल क्या है। अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूँ तो आपने चीज़ याद रखनी है कि इंटरव्यू में अगर आपसे कहा जाएगा कि SDLC बताओ क्या है रिटर्न फॉर्म में, तो आपने पॉइंट्स लिखने होंगे। लेकिन अगर इंटरव्यू या क्विज में आपसे कहा जाता है कि इसकी डायग्राम ड्रॉ करो, तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर दी होगी, जिस तरह आप देखो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, एवोल्यूशन, नज़र आ रहा है। अब इसमें ये नहीं है कि पत्थर पर लकीर वाली बात के रिक्वायरमेंट एनालिसिस लिखा है, हमने एलिस्ट्रेशन पढ़ा है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड एलिस्ट्रेशन एंड गैदरिंग आर सेम थिंग, समझते हैं ना? तो वर्ड से परेशान नहीं होना कि वर्ड ये यूज़ हो गया तो कोई और चीज़ है। डिज़ाइन में आपका UI आता है, UX आता है, WCC आता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है ताबिश भाई? इम्प्लीमेंटेशन है जो आप कोडिंग कर रहे हो, जो आप उसको एक्चुअल वो देंगे। आप आपका डेवलपमेंट का वर्ड यूज हो सकता है, कोडिंग का वर्ड यूज हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन का वर्ड यूज हो सकता है। टेस्टिंग क्या है आपका रोल, जो QA का रोल है। एवोल्यूशन पे कंफ्यूज नहीं होना, एवोल्यूशन इज योर मेंटेनेंस, राइट? हां, तो ये आपकी, ये आप कह लो कि एक डायग्राम है जो आप
इंटरव्यू में अगर आपको ड्रॉ करने के लिए कहता है या पूछता है कि इसका फ्लो बनाओ, तो फ्लो का हर किसी मतलब नहीं होता। बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, फ्लो का ये मतलब नहीं कि आपने 5 पॉइंट लिख दिए कि रिक्वायरमेंट कह देंगे। फ्लो का मतलब है जिस तरह एरो जा रही ना, इस तरह फ्लो बनाना। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें बेस, लेकिन हम गलती कर जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें ये इंडल्ज की हुई है ताकि आपको भी आइडिया रहे। राइट जी। अच्छा अच्छा जिस तरह आप कहते हो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गैदरिंग, एलिस्ट्रेशन, सेम थिंग। अब ये ना हो कि आउट ऑफ वेयर आप कोई ऐसी वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हो जिसकी सेंस ही ना बन रही हो, वो तो जाहिर सी बात पर गलत होगा ना। मतलब जो हिट कर रहा हो डायरेक्टली लिंक कर रहा हो। फॉर एग्जांपल आपको याद नहीं आ रहा इंटरव्यू के टाइम और आपने कोई और वर्ड यूज़ कर दिया जो कि लिंक कर रहा है, तो आपका जवाब सही होगा। लेकिन वो 19-20 भी लिंक नहीं कर रहा कि आपने कुछ कहा पूछा आपसे ए या बी बता रहे हो, फिर तो गलत होगा ना। समझ रहे हो? जी ठीक, कोशिश करो। इतना मुश्किल नहीं है यार, नाम इसमें क्या है, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, कोडिंग याद रख लो। अच्छा आपको क्या बताना था, जो क्वेश्चन उसका था ताविश भाई का, ताविश भाई का क्वेश्चन ये था कि SRS, FRS और BRS का क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट सी फॉर्म की, अल्लाह करे कोई अच्छी सी बनी हुई हो, ये कौन सी है। अच्छा एक चीज़ तो याद रखनी है आपको इंशाल्लाह, जो लेक्चर 6 है उसमें SRS और यूज़ केस का भी डिफरेंट बताना है। होपफुली शायद पता भी हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिंक करती हैं। ये एक छोटी सी SRS जो कि बनाई थी, आप कह लो कि लोकल एक प्रोजेक्ट था HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से। तो इसमें आपको पता है टेबल ऑफ कॉन्टेंट है, आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, रेफरेंस है। सबसे जो मेन चीज़ याद रखने वाली है कि दिस डॉक्यूमेंट शुड बी थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये जहन में रखो कि जब भी SRS की बात करूँगा तो उसमें थ्योरी काफ़ी ज़्यादा लिखी होगी। पर्पज़ क्या है, स्कोप क्या है, ओवर क्या है, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, कौन से फीचर इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखी तो होगी ना कैसे बनती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन से क्या आप मॉड्यूल्स को हिट कर रहे हो, ये दिस इज़ हाउ यू। छोटी सी है, हार्डली मैंने मिनट्स को कन्वर्ट किया हुआ है। एक होती है FRS, जिसका लफ्ज नाम से जाहिर है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब बंदा पूछे यार कि है तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की जब भी आप बात करोगे उसमें कोर फंक्शनैलिटी डिस्कस करी होगी, कोई स्टैटिक चीज़ नहीं होगी, सिर्फ फंक्शनैलिटी होगी कि ये चीज़ कॉल टू एक्शन कैसे काम करेगा, कोई बटन है क्लिक करेंगे तो क्या होगा। फंक्शनैलिटी बताएगा आपको कि ये मॉड्यूल करेगा क्या, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स है ये क्या करेगा, लॉगिन है तो ये क्या करेगा, इसमें कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, लॉगिन की कितने लाइक करेक्टर लिमिट होगी। इट्स मेनली रिलेट्स विद योर फंक्शनैलिटी, कि फंक्शनैलिटी क्या कर रही है। अब मैं टेलीनॉर के साथ काम कर रहा था 2018 में, तो मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। उन लोगों का ये क्राइटेरिया था कि वो FRS कहते थे इसको, जिस तरह अभी देख रहा हो ये आपको जो मैं FRS दिखा रहा हूँ अभी, ये टेलीनॉर की है, ये नज़र आ रही है इजी पैसा मेन्यू चेंजेस। जी जी, ये बेसिकली टेलीनॉर के जो क्लाइंट है उसने, क्योंकि डायरेक्ट मेरे साथ लिंक था, हम उनके वेंडर थे समझ लो, उसने मुझे सेंड किया कि मैं इजी पैसा में ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ, मैं ये चेंजेस करवाना चाह रहा हूँ। नाउ यू कैन सी दैट, ये शुरू में उसे डॉक्यूमेंट हिस्ट्री बताई और उसके बाद उसने यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ये फीचर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। पेज नंबर 6 पे स्कोप है, फिर वेब सर्विसेज हैं, APIs हैं, नोट्स हैं, इम्पैक्ट एनालिसिस है, और इजी पैसा पे माइट भी आप लोगों ने किसी लाइफ में कभी यूज़ किया हो, इजी पैसा फ्लो तो पता ही होगा, नज़र आ रहा है आपको। जी जी। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि डायग्राम वगैरह थोड़ी सी भी होती है आर्किटेक्चर लेवल की, कोई बना दे तो ठीक है, ना भी बनाए इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शनलिटी की जब आप बनाते हो तो मॉकअप भी डाल सकते हो। तो इसमें देखो इसने कुछ चीज़ें डाली होंगी, मनी ट्रांसफ़र हो रहा है, ये टेबल सा बना दिया कि प्रोसेस क्या होगा, फ्लो क्या होगा, फिर उसके बाद टेबल के फॉर्म में मुझे बता रहा है लैंडिंग पेज क्या होगा। तो दिस इज़ हाउ के फंक्शनलिटी कैसा है। इसकी बेस पे जो अच्छी कंपनीज होती हैं, खासतौर पर जब आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट हों, आई होप एंड इंशाल्लाह और मेरी दुआ है कि कल को आप भी किसी ऐसी कंपनी में जाओ जो कॉर्पोरेट लेवल पे काफ़ी अच्छी हो, बड़ी हो, उस पर आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट आएगी जिसमें जिसको आप FRS कह रहे होगे या BRS कह रहे होगे, एक चीज़ है कि BRS FRS मोर और लेस सेम है, क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एक ही तरह की होती हैं, इसमें कोई स्टैटिक चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। तो उसमें आप क्या करते हो, देखो ये कितना इन डेप्थ है, आपके कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मेन्यू T3 पे क्या होगा, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे क्या दिखाना है, आगे सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और फिर
वेब सर्विसेज के अलग अलग लिंक इसने किए हुए। इसकी बेस पे जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जिस तरह मेरी भी कंपनी टेलको की कंपनी थी ईवी ब्रांड सांगा के नाम से इस्लामाबाद I8 में, वो लोग क्या करते थे, इसकी बेस पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे जिसको कहते थे सोल्यूशन डॉक्यूमेंट, या उसकी शॉर्ट फॉर्म थी SD। सुना है कभी SD? नहीं सुना नहीं। मैंने भी इतना नहीं सुना था, लेकिन इस कंपनी में ये प्रोटोकॉल था, तो आपके लिए नॉलेज के लिए कि अगर कभी आप सुनो तो आप परेशान ना हो। SD कहते हैं सोल्यूशन डॉक्यूमेंट को। किस चीज़ के सोल्यूशन डॉक्यूमेंट को, कि आपका क्लाइंट अगर आपसे कुछ बनवा रहा है तो उसके अगेंस्ट आप एक सोल्यूशन डॉक्यूमेंट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं इस तरह जस्टिफाई करूंगा कि ताबिश भाई हैं, ताबिश भाई के साथ मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। ताबिश भाई कहते हैं यार कासिम एक चेंज आई है, चेंज रिक्वेस्ट भेजी है। अब ताबिश भाई को मैं कहूँ ताबिश भाई यार ये बजट है, ताबिश भाई कह सकते हैं यार ये कासिम तो मेरे ख्याल से ज़्यादा पैसे ले रहा है, छोटा सा फीचर है, 2 आधे घंटे का काम ही कैसे क्या। तो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो मैं ताबिश भाई के लिए प्रिपेयर करूँगा। मैं लिखूंगा ताबिश भाई आपने जो चीज़ मांगी है उसके अगेंस्ट मैं ये काम करूँगा, ये मेरा सोल्यूशन डॉक्यूमेंट है। मैं इसमें कोई एक तरीका नहीं बताऊँगा, एक काम करने के 4 तरीके बताऊँगा कि, और करूँगा मैं वो जो सबसे ईजी हो, जो क्लाइंट को भी बेहतर लगे। अब ये सोल्यूशन डॉक्यूमेंट मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस काम को करने के लिए ये चीज़ हो सकती है, ये भी हो सकती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो हम अब आप देखो ये यूज केस नजर आ रहे हैं, ताबिश भाई वाली बात जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ये BRS में इसको प्रोवाइड कर रहा हूं अपने उसके सॉल्यूशन के अगेंस्ट। देख रहे हो? हां जी। के एडिशनल मेन्यू ये है, तुम्हारी बिजनेस रिक्वायरमेंट 1 उसके अगेंस्ट में ये करूंगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट 2 उसके अगेंस्ट में ये करूंगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट 3 एडिंग मेन्यू उसके अगेंस्ट में ये करूंगा। यू आर लीस्ट पॉजर के लिखा हुआ क्या है, लेकिन बता ही रहा हूँ कि मेरा सोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन हेडिंग 2.1.2 देखो कि तुम जो चीज़ कह रहे हो तुमसे मुराद क्लाइंट है, मेरे केस में जो ताबिश भाई हैं, ताबिश भाई आप जो चीज़ कह रहे हो उसके अगेंस्ट मेरा ये सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन 3। देखो मैंने 3-4 उनको सोल्यूशन बता दिया कि ये अप्रोच है आपको कौन, और फिर मैंने प्रोटोटाइप भी बना दिया। देख रहे हो फ्रंट एंड का प्रोटोटाइप, ये 2.2 हेडिंग जो है। जी जी ठीक है। और क्लाइंट को मैंने बता दिया कि इस तरह आपका इंटरफेस होगा, ये चीज़ इतना, ये बैकएंड की भी चीज़ें मैंने डाली हुई है, ये मजेंटो का बैकएंड का खोल के यहाँ से आप ये सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पहुँचोगे। अब ताबिश भाई को आइडिया होगा यार वाकई कासिम जो कह रहा है इसमें इतनी एफर्ट रिक्वायर्ड है, अगर वो 24 घंटे ETA दे रहा है कि मुझे एक दिन पूरा चाहिए और वो कह रहा है कि मुझे इसके अगेंस्ट $6 चाहिए, तो मैं अगर मैं ब्लाइंडली कह दूंगा ताबिश भाई यार ये चीज़ है मुझे कोई 5 लाख रुपया दें तब बना के दूंगा, ताबिश भाई के जहन में 1000 चीज़ें आएंगी यार ये कैसे कह रहा है, कोई प्रूफ तो देना कि वाकई इतना होमवर्क है इस पे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ कासिम जी का। तो दिस इज द वे कि आपको अपने कस्टमर को इतना सेटिस्फाई करना होता है कि जो आप उसके लिए काम कर रहे हो इवेंचुअली वो इतना टाइम कंज्यूमिंग है, और जो अच्छी और बड़ी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी और बड़ी कंपनीज होती हैं कॉर्पोरेट लेवल को अपने क्लाइंट, क्योंकि टेलीनॉर के साथ हमने 1 साल काम नहीं किया, फिर टेलीनॉर के साथ हमने 5 साल काम किया और ये हमें करोड़ों में पे करते थे टू बी रियली ऑनेस्ट, हमें मतलब हमारी जो पुरानी कंपनी थी उनको, क्योंकि वो लिंक इतना एस्टेब्लिश हो चुका था और हम फिर आगे से उनको अप्रोच इस तरह करते थे कि वो किसी और कस्टमर के पास जाते नहीं थे। दिस इज़ द वे कि आपके सॉफ्ट स्किल्स में आता है कि आपने कस्टमर को कैसे डील करना है, कैसे उसको जस्टिफाई करना है कि जो काम मैं दे रहा हूँ वाकई इतना टाइम को। अब ये डॉक्यूमेंट बनाने में शायद मुझे 10 घंटे लगे हों, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो मेरा कस्टमर पड़ेगा वो कहेगा हाँ यार सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या हुआ है, कॉल ड्रॉप हुई है, इसी का मोबाइल बच्चा या पता नहीं, पीप सी आवाज़ आई थी। खैर एनी हाउ, तो जब मैं उसको ये चीज़ें दूंगा तो ही और शी शुड बी अवेयर यार कि ये एफर्ट पुट करके जो डिमांड कर रहा है पैसों की वो जस्टिफाइबल है। फिर आपका और क्लाइंट कह के कैसे आप निगोशिएट करो या कैसे बेहतर कर सको, लेकिन आई होप कि आप मेरी बात समझ गए कि SDM कब भेजते हैं। जी ठीक है ताज भाई, क्लियर जी। तो ये आपका था SD, FRS और SRS में डिफरेंट। हाँ मैं खुद ऑन होल्ड हुआ था अभी जी, तो आ गया, कुछ पूछ रहा था घर में कुछ। अच्छा नाउ मूविंग बैक टू द प्रेजेंटेशन पार्ट, और आपको ये सारे टेम्पलेट्स ना मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। FRS हो, SRS हो, यूज केसेस हो, टेस्ट प्लान हो, उसकी परेशानी की जरूरत नहीं है। बेस कैंप पे पड़े भी हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन आज यार असल में लेक्चर तो मैंने पूरा लाजमी करना है क्योंकि कल का डाउटफुल हूँ और वो कज़न की वजह से थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, माजरत के साथ आप लोगों को भी कि आज जल्दी उठाना पड़ा। आई होप आप लोगों ने माइंड नहीं किया हो। असल में मैं डेथ पे भी नहीं जा सका क्योंकि कुछ चीज़ें इधर भी चल रही थी फैमिली की बड़ी इंपॉर्टेंट, और पिछले 2-2.5 महीने बड़े वीर से चल रहे हैं, अल्लाह खैर ही करे। खैर एनी हाउ मूव टू, ये क्या खोल दिया मैंने, प्रेजेंटेशन कहाँ गई, लेक्चर बंद कर दिया मैंने। SQA ट्रेनिंग्स SQA 2020 लेक्चर नंबर 2।
आई होप कि अब आपको कम से कम इतना क्लियर होगा, हुआ होगा डेढ़ दो लेक्चर जो हमारे हुए हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में काम कैसे हो रहा है। प्रोजेक्ट वाला रिकॉल करना, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हज़ार दफ़ा पूछना। ये नहीं कि कोई लेक्चर खत्म हो गया है तो आपका हो गया, ये कासिम भाई अब माइंड करेंगे कि मैंने पूछ लिया है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन रिकॉर्डिंग इज गुड पार्ट कि अगर रिकॉर्डिंग समझ सुनने के बाद भी समझ नहीं पड़ेगा तो यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन आस्क थाउजेंड टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे, लेकिन बंदा अनॉय तब होता है जब क्विज दे या असाइनमेंट दे तो फिर रिस्पॉन्स अच्छा ना आए। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपने केयर करनी है जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल और बग लाइफ साइकिल, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। ये नहीं कि मैं कहूँगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल और बग लाइफ साइकिल इज अ सेम थिंग, लेकिन मोर लेस। अच्छा, मैं थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ डिस्टर्ब होना तो फौरन बताना, मतलब आई जस्ट वॉन्टेड टू बी इन अ बिट रिलैक्स पोजिशन नाउ। तो लैपटॉप मैं थोड़ा सा या सोफे पर ले आया हूँ, तो आई होप फ़र्क नहीं पड़ेगा पार्टी। खैर, डिस्टॉर्शन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा ताकि मैं रिवर्ट कर लूँ। अच्छा, ये आप लोगों का काम है। अब पहले जो हम बातें करते हैं सारा पीएम का, डिज़ाइन का, नेटवर्क का, डिप्लॉयमेंट का, एनवायरनमेंट्स का, दैट्स अ सेपरेट बॉल गेम। नाउ दिस इज एंटायरली रिलेटेड टू यू। क्वेश्चन इज फ्रॉम ताबिश भाई। ताबिश भाई, व्हाट इज एग्जैक्टली बग लाइफ साइकिल, जिसको हम कहते हैं कि एक बग आया, ताबिश भाई ने बग पकड़ा, उस बग के साथ क्या करना है हमने नेक्स्ट? कैसे हमने बग पकड़ा, हमारी नजर में आ गया बग आ गया, हमें उसको यू नो वापस जो डेवलपर है उसको असाइन करना है, भाई ये बग है इसको आप देखो, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या थोड़ी बहस करेगा जो भी उसका वो करेगा वो उसका, या तो ये सही करके वापस देगा, फिर मैं चेक करूंगा, फिर अगर वो होगा तो मैं फिर उसको दूंगा कि भाई सही नहीं है दोबारा करके लाओ। ये साइकिल, ये वाला जो फेज है ना, ये समझे कंटिन्यूस दो तीन चार बार चलता रहता है, फिर वो जाके जब वो असाइन हो जाएगा फिर मैं उसको यू ना या तो क्लोजर में डालूंगा या रिव्यू लेके उसको क्लोजिंग उसके अंदर डाल दूंगा, भाई बग यू ना आइडेंटिफाई हो गया, रिपेयर मकसद की यू ना सेटलमेंट हो गई, रिव्यू कर लिया, अब कोई और बग नहीं है सेम। और अगर सेम बग आ जाएगा दोबारा, हाँ इसमें एक और चीज़ ये, अगर ये दोबारा सेम बग दोबारा आएगा कि री ओपन हुआ तो मैं उसको री ओपन कर दूंगा, भाई ये बग पहले आया था अभी दोबारा आ गया। जी आसिम, आप क्या कहोगे? जी सेम कैसम भाई, कि यही कि अगर मेरे पास कोई बग आएगा टेस्टिंग के दौरान तो मैं उस बग को वापस डेवलपर के पास भेजूंगा कि इसको ठीक करने के लिए, तो बस यही साइकिल चलती रहेगी इसी तरह से जब तक बग ठीक नहीं हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ना चीज़ अब आज के दिन कह रहा हूँ, सॉरी आज के टाइम में समझ लो कि एक दो साल तक थोड़ा सा ना इसमें मॉडिफिकेशन हुई है। स्टिल यू गाइस आर रॉन्ग। अब होता क्या है, मैं आपको इन डेप्थ आज के लेक्चर में बताऊँगा भी इंशाल्लाह। अब फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने बींगे क्यू एक बग पकड़ा, वेरी गुड, आपने बग कैच कर लिया, आपने लिखा हुआ यहाँ पे भी, मैंने खुद नहीं हटाया कि ऐसा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज में वैसा नहीं हो रहा कि आप डेवलपर को बग असाइन करते होगे। नॉर्मल प्रोसेस पहले ये होता था, लेकिन आजकल आप डेवलपर के बजाय बग असाइन करते हो प्रोजेक्ट मैनेजर को। उसकी रीज़न है, उस पर मैं आऊँगा क्यों है, उससे क्या बैकग्राउंड था कि आजकल जो कंपनीज हैं अराउंड 90% कंपनीज इस मॉडल पर चली गई हैं कि डेवलपर को नहीं आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को साइन करना है। मैं पूछूंगा भी आपसे कैसा क्यों जरूरी है, फिर वही चीज़ के डेवलपर उसको फिक्स करेगा और क्यूए के पास वापस आएगा, क्यूए दोबारा देखेगा कि यार ये बग जो मैंने पोस्ट किया था ये वाकई फिक्स हुआ कि नहीं किया, उसके आने से कोई नया बग तो जनरेट नहीं हो गया। और आप जब तक बग क्लोज नहीं करोगे, जब तक आप वेरीफाई कर लोगे, अगर वेरीफाई हो जाता है तो आप क्लोज कर दोगे, दे दैट बग नंबर 112 इज़ वेरीफाइड बाई क्यू ए एंड इट विल बी क्लोज नाउ, या फिर आप उसको असाइन बैक कर दोगे, चाहे वो लाख चीखे जिस तरह ताबिश भाई कह रहे थे कि या तो एक्सेप्ट करेगा। वी आर लीस्ट बॉदर, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वी आर लीस्ट बॉदर कि वो एक्सेप्ट करे ना करे, एंड दैट इज़ द रीज़न जो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल आता है बीच में, जो कि अब कंपनीज को आइडिया हो गया है, क्योंकि पी एम इज़ अ न्यूट्रल बंदा, और न्यूट्रल बंदा होने के नाते वो देखता है कि बग किस नेचर का है, ताकि डेवलपर ये ना कह सके यार ये बग नहीं आया, ये ना कह सके मेरी मशीन पर नहीं आ रहा। इस तरह के बहुत बहाने आप सुनोगे इंशाल्लाह कैरियर में, इंशाल्लाह कह रहा हूँ साथ, लेकिन क्योंकि मैंने भी बहुत सुने हैं और ये लड़ाई होती है अभी तक, यही होता है कि यार मेरी मशीन पर नहीं आ रहा, ये बग नहीं है, ये बग नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ये चीज़ चलती है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के तरीके हैं कि हमने कैसे करना है। सबसे पहला काम, जैसे ही बग आए, जब मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा ये बग्स वाली, तो मैं आपको बताऊंगा यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि बग आपकी मशीन पे आया था। मशीन से आई मुराद के जो आपका लैपटॉप है, जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उस पर बग आया था, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो उसका, अपने सेफ रखें, वरना डेवलपर टेक्निकली बड़ा स्ट्राउंड होता है, वो कुछ भी पीछे से बैकएंड से करके बग को रिजॉल्व कर सकता है या टेम्पररली उसको डिसेबल कर सकता है, बट यू गाइस डोंट हैव दैट मच टेक्निकल नॉलेज कि आप उसको गेट कर सको कि इसने क्या किया है। तो मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, राइट? जी
अभी तो नॉर्मल में उस पर जा रहा हूँ कि जो स्लाइड पे लिखा हुआ है कि इसी तरह जो आपने एक्सप्लेन किया, ताबिश भाई ने एक्सप्लेन किया, उसी पे मैं जा रहा हूँ कि बग आया, क्यूए को साइन हुआ, बग फिक्स हुआ, क्यूए ने दोबारा वेरीफाई किया, बग ठीक है तो क्लोज हो गया, ठीक नहीं है दोबारा साइन हो गया। लेकिन आज के लेक्चर में मैं इस प्रोसेस को खुद डिनाई भी करूंगा और बताऊंगा कि बेस्ट पॉसिबल प्रोसेस क्या है। इसको मैं फेयर इसलिए नहीं कह रहा कि कुछ कंपनीज में इट इज़ स्टिल एप्लीकेबल, जहाँ पे पीएम का इतना कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे छोटे सेटअप्स हैं वो कहते हैं कि यही चलाए रहो, क्यूए और डेवलपर का साइकिल चलाए रखो या दिस इज, बट एक्चुअली आजकल ऐसे काम नहीं हो रहा टू बी ऑनेस्ट। जो मार्केट में आजकल हो रहा है मेरी कोशिश है मैं आपको वो बताऊंगा। आगे एक साइड आ रही है जो थोड़ा सा अगेन फ्लो चार्ट की फॉर्म में है, इस पर भी मेरे आप दोनों से क्वेश्चन होंगे। पहले तो वही है जो मैंने थ्योरेटिकल आपको लास्ट साइड पे बताया, उसी का एक आप कह लो कि पोर्ट्रेशन है उसकी, कि बग पहले नई स्टेट पे था, नए से ओपन में आया, असाइन किया, टेस्ट हुआ, वेरीफाई हुआ, क्लोज हो गया। सिंपल एज यू लाइक, कि जो हमने इंग्लिश में पीछे स्लाइड नंबर 5 में पढ़ा कि बग आया, ओपन हुआ, साइन हुआ, टेस्ट हुआ, वेरीफाई हुआ, ठीक है तो क्लोज हो गया। अब दो एरो जा रहे हैं, एक एरो जा रहा है कि रीओपन होके साइन होना, एक राइट पे एरो जा रहा है रिजेक्ट होके डेफर्ड होना। दोनों में से कौन बता सकता है कि दोनों एरो किस सिनेरियो पे आएंगे? कस्टमर रीओपन मेरे ख्याल से उस पर होगा कि अगर कोई बग आएगा और उसको हम दोबारा असाइन करवाएंगे यानी ठीक करने के लिए भेजेंगे तो वो रीओपन ये एरो जो है उसके लिए होगा। हाँ, एक यूज केस हो सकता है, लेकिन उससे पहले तो मैं ये कहूँगा वो बग क्लोज होगा ही नहीं। देखें आप, हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक यूज़ केस ये बनता है कि टेस्ट से ही मैंने एरो का डायरेक्शन मोड़ दिया और मैंने रीओपन करके दोबारा साइन कर दिया, ये बग फिक्स नहीं है, आसिम इज़ राइट, और क्या हो सकता है? दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि अपना कैसे हमने बग को असाइन किया, चाहे वो डेवलपर हो चाहे पीएम, उसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब वो ना दोबारा टेस्ट किया, वो बग दोबारा आ गया तो मैं दोबारा उसको रीओपन करके दोबारा भेजूंगा भाई तुमने पहले रिजेक्ट किया। एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट, इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि जब आप स्प्रिंट में काम करते हो, अब मेरे वर्ड्स पे गौर करिएगा, मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा। मैंने, अब ताबिश भाई बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, ताबिश भाई बग को पकड़ लेते हैं, ताबिश भाई को याद होता है कि ये बग मैंने स्प्रिंट में पकड़ा था। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंट 4 खत्म हुई है और करंटली स्प्रिंट 8 चल रही है, ताबिश भाई एक चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, ताबिश भाई कहते हैं यार ये ऐसा कुछ सिनेरियो है, ये मैंने पहले टेस्ट किया था, ये बग हो सकता है पहले आ चुका है। मतलब इतना सबको याद होता है कि जब आप साइट को बार बार चलाते हो और रिग्रेशन टेस्टिंग करते हो और यूज़ करते हो, तो इतना आपको अवेयरनेस होती है यार कि बग किस जगह पे आया और किस स्पॉट पे। मैं एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको पता होगा यहाँ पे बग है और आप उसको लाजमी वो फीचर टेस्ट करोगे, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है क्यूए की। तो ताबिश भाई इज राइट, बेसिकली क्या ये रहेंगे, एक बग क्लोज हो चुका है, लेकिन हमें याद है ये बग स्प्रिंट नंबर 4 में आया था। तो होता क्या है कि टूल्स में कीवर्ड्स की ऑप्शन होती है, जो भी बग है, फॉर एग्जांपल कि ताबिश भाई कहते हैं कि मैं एक लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन लिंक जो है 404 पेज पे जा रहा है, 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड। तो ताबिश भाई सर्च में लिखेंगे पेज नॉट फाउंड, अगर तो वो बग पहले रिपोर्ट हुआ हुआ होगा तो वो जीरा से बेस कैम्प से वो आपको बता देगा ये रिपोर्टेड है। तो बजाय इसके कि आप एक नया बग क्रिएट करो, नया भी कर देते हो विच इज़ फाइन, लेकिन डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को बताने के लिए कि तुम्हारा बग ये मैं बार बार पकड़ रहा हूँ, ये अच्छा होता है कि ताकि आप रियलाइज़ कराओ डेवलपर को कि तुमने जो वक्ती तौर पे चेपी लगाई थी। अगेन वर्ड थोड़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में देसी ये वर्ड यूज़ होता है कि डेवलपर एक चीज़ को टेम्परली फिक्स करने के लिए चेपियाँ या जुगाड़ लगा देते हैं। वक्ती तौर पर तो वो फिक्स हो जाता है, लेकिन जब चीज़ एक इंटीग्रेट होती है उसके साथ, जब एक मॉड्यूल इंटीग्रेट होता है तो बाद में जाके वो चीज़ फटती है और फिर बग आ जाता है। तो अगेन इस तरह के वर्ड्स भी आप काफ़ी सुनोगे लॉन्गर रन में। तो होता क्या है ताबिश भाई वाली बात, कि जब आप क्लोज कर चुके होते हो तो आपको याद आता है यार ये बग तो पहले मेरी नज़र से गुजरा है, तो बजाय इसके आप नया रिपोर्ट करो, आप स्प्रिंट नंबर 4 पे या उस सर्च कीवर्ड पे दोबारा जाते हो, वो कहता है ये बग नंबर ब्ला 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 इस तारीख को रिपोर्ट हुआ, तो ताबिश भाई उसी बग की थ्रेड में कमेंट करेंगे कि यार ये बग तो मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था सितंबर में, अब ये दिसंबर आ गया दोबारा आया हुआ है, अपने सुपरवाइजर को लूप में रख के कि ये 2 महीने बाद भी हम उसी स्टेज पे हैं कि बग, हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, आप डेवलपर से कभी भी आपने पंगा नहीं लेना, हमेशा कोशिश करनी है कि आपके जो उनके टर्म्स हैं डेवलपर से अच्छे रहें, क्योंकि गोल आप दोनों का सेम है, जिस डेवलपर जो काम कर रहा है आप करो, आप एज ए टीम देखा जाए तो गोल आप दोनों का सेम है कि प्रोडक्ट अच्छा बने, ऐसा ही है, ऐसी ऐसा ही है ना? हाँ, तो जी जी लड़ाई वाली इस पर कोई बात नहीं कि आपको कि मैंने ग्रश निकालना है, उसने उस टाइम ऐसा किया था, इस तरह कभी भी टीम बिल्डिंग नहीं होती है। और मैं एज अ पीएम आपको हमेशा ये गाइड करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि टीम को साथ लेके चलना होता है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप डेवलपर को अकेले से चुपके चुपके बता दो यार ये बग आया इसको फिक्स कर दो, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी भी शो करनी होती है कि मैंने आज के दिन में 15 बग्स पकड़े, मैंने आज के दिन में 20 बग्स पकड़े, ये आपके सुपरवाइजर को पता होगा तो आपके इंक्रीमेंट में भी फर्क आएगा और आपकी क्रेडिबिलिटी भी। आपको अपनी जॉब के साथ सिंसियर रहना है, जो मैं हमेशा कहता हूँ।
चाहे आपका फास्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, अगर आसिम और ताबिश भाई आपस में कज़न है, आसिम डेवलपर है और वो क्यूए हैं, ताबिश भाई को मैं कहूँगा 100 बग निकालो आसिम के, ऐसा ना कहो कि वो इससे उसकी भी लर्निंग होगी और वो बग नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, एग्री करोगे ना? ऐसे ही है जी जी ठीक है। राइट साइड पे देखो, राइट साइड पे एरो जा रहा है, असाइन के बाद एरो जा रहा है, एक रिजेक्टेड है एक डेफर्ड है, इस पर क्या समझ आती है? आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने वैसे लेफ्ट साइड वाला एरो अच्छा पिक किया, दोनों ने सही जवाब दिया, राइट साइड पे क्या समझ आती है? अरे अब कसम ये तो वही प्रोसेस है ना आपका, जो दोबारा होगा जैसे हमने रीओपन किया भेजा, या तो उसको दोबारा चेक कर देगा कि भाई ये बग दी है मेरे हिसाब से, या उसको डेफर करके डाल दे कि भाई मेरे हिसाब से उसको नजरअंदाज कर देगा उसको उठा के। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस हैं इसमें, ये तो एक तो ये होता है कि आपने डेवलपर को या पीएम को किया, तो कभी भी हम क्यूए के बंदे को ना बग रिपोर्ट करने से रोक नहीं सकते, ये आपको मैं आज सेकंड लेक्चर ही चल रहा है इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि आपने कभी भी ना शाय या रिलेक्टेंट नहीं होना कि मैं छोटा सा बग पोस्ट करूंगा तो लोग कहेंगे यार इसने बड़ा छोटा बग पकड़ा है, जहाँ आपने ये सोच लिया आप कभी भी अच्छे क्यूए नहीं बन सकते, चाहे फुल स्टॉप कॉमा ही क्यों ना हो, इफ़ यू थिंक इट्स अ बग यू गाइस हैव फुल अथॉरिटी टू लॉक दैट बग, टू जनरेट दैट बग, और वो आप करोगे। इस केस में कभी कभी क्यूए भी थोड़ा सा आप कह लो कि जो शरारती क्यूए होते हैं वो करते क्या हैं कि जान के एक ही बग को ना दो तीन दफ़ा रिपोर्ट कर देते हैं, या बग की कभी कभी सेंस वाकई नहीं बन रही होती लेकिन वो अपने बग के काउंट को बढ़ाने के लिए बग रिपोर्ट करते हैं, तो उस केस में पीएम अकाउंटेबल होता है कि वो बग को देख के, या डेवलपर भी समटाइम, लेकिन आजकल डेवलपर को खुद इस चीज़ नहीं दी हुई कि, ताकि मैं आपको आज बताता हूँ अगले लेक्चर में कि क्यों उस तरह का प्रोसेस हुआ और क्यों ये चीज़ डेवलपर से ली गई और फिर पीएम को दी गई, उस चीज़ को देखते हुए कि डेवलपर एक बग को डुप्लीकेट ना कर दे, या एक ही बग को जो स्कोप से बाहर हो लेकिन उसकी नज़र में बग हो, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि हम क्यूए के बंदे को कभी रोकेंगे नहीं, जिस तरह आप मेरी टीम में काम कर रहे हो, आप दोनों क्यूए हो मैं पीएम हूँ, तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप बग ना रिपोर्ट करो, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि मैं एज अ पीएम बग को रिजेक्ट कर दूँ, ये मेरा काम है, लेकिन आपको मैं रोकूंगा नहीं, आपको जो बग लग रहा है आप डालो ताकि आपकी थिंकिंग बढ़े, आपकी थिंकिंग ब्रॉड हो गई कि किस किस्म का बग है। तो रिजेक्ट वाला ऑप्शन तो सिंपल ये है कि या तो डुप्लीकेशन ऑफ बग जाएगी, एक शरारती किस्म का क्यूए है एक ही बग को बार बार रिपोर्ट किया जा रहा है, या दूसरा ऑप्शन है कि बग स्कोप से बाहर है। डेफर्ट का मतलब होता है कि वक्ती तौर पर अभी इतना बग इतना प्रायोरिटी का नहीं है, है ज़रूर बग, हम ये नहीं कह रहे बग नहीं है, क्यूए ने अच्छा बग फाइंड किया है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम इसको डेफर्ड कर रहे हैं, डेफर्ड मतलब कि फॉर द टाइम बिंग इसको इग्नोर कर दो, प्रायोरिटी टू में डाल दो कि आज से 1 महीने बाद जब बैकलॉग में पड़ा है देखेंगे तो कर देंगे, मतलब इसकी प्रायोरिटी 1 नहीं है, 2, 3, 4 में से कोई एक हम डाल देंगे, तो ये समझ रहे हैं ना? इसको मैं डेफर के ऊपर अभी मेरे को सिनेरियो समझ में आई है, हम मैं जहाँ पे काम कर रहा था ना पहले, तो उसके यूआई के में बग बहुत सारे बग निकाले हुए थे। अच्छा उसको जब मैं डेवलपर को बोलूँ ना, वो बोले यार ये स्कोप नहीं हमारा, अगली स्प्रिंट में देखें, मैं उसको बोलूँ भाई ये तुम्हारा पहले मॉड्यूल में बग आ रहा है, ये सारे मॉड्यूल तुम कॉपी पेस्ट किए यार, क्योंकि पूरा मॉड्यूल एक जैसे थे सारे ना, अप्लीकेशन तकरीबन एक जैसे थे। मैं अरे ये चीज सॉरी बात कर रहा हूँ ताजू भी बात कर रहा हूँ, डेफर्ट कभी भी स्कोप से बाहर डेफर्ट ही होगा, आवाज कट रही है कासिम भाई, कर गई ना आवाज, है ना एक केबल है की है एमबीबी। हाँ मैंने कहा समझ रहे हो ना कसम, आपकी आवाज कट गई थी यार, वो खुद से ऑटो स्विच होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क चला जाता है, अभी दोबारा 1 मिनट के लिए शायद होगा, मैं पीटीसीएल पे आ गया हूँ, दोबारा ये कासिम पे जाएगा ना, ये ऑटो खुद ब खुद हो जाता है, मैंने किया हुआ ताकि नेट में ब्रेक ना आए, तो मैं यही कह रहा था रिजेक्टेड और डेफर्ट डिफरेंट चीजें हैं, आपकी बात अब कंटिन्यू करो आप। अच्छा उसको मैं बोलूँ ना, वो बोले यार ये बग ना आप अभी रख दो बाद में देखेंगे, ये यूआई से यो रिलेटेड है फंक्शनल टेस्टिंग करो। अच्छा मैं करता रहा, एडिट हुआ गया जिसने रिलीज थी ना उसके सॉफ्टवेयर की, अब वो इतने घंटा हुए थे यूआई के एक साथ कि वो जो मेरा ये एक्चुअल क्यूए का काम कर रहा था ना, वो बंदा मेरे पास आया बोले यार तुमने ये बग निकाले थे, मैं भाई मैं बताए थे आपको भी बताए थे डेवलपर को भी बताए थे, एचटीएमएल का जो हेड है आपका जो कोडिंग कर रहा है उसको भी मैं जाए बताए थे पर सही तौर पे कि यार ये इशू बनेगा बाद में, ये मशीनों पे जो ना फॉल्ट आ रहे हैं
किसी पे कैसी इसकी यूआई आ रही, किसी पे कैसी आदमों ने इसको नहीं नजरअंदाज कर दिया, इसको बाद में देखेंगे जिस वक्त रिलीज करेंगे फाइनल्स। बोला यार अब मसला ये है कि तो हमने रिलीज करनी है और ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा सही, अब क्या करें। मैं बोला आपकी मर्जी, आप काम कर रहे हो, मैं क्या बता सकता हूँ आप इसके साथ क्या करोगे। तो तकरीबन कुछ ही तो लगो पेशा 70-80 वक्त थे कासिम भाई, और वो ऐसे थे वो कोडिंग कॉपी पेस्ट की थी ना, तो वो पहले मॉड्यूल में गए ना तो वहां जैसे एक बग है तो वो वहां पे वो चार बग बन गए, जहाँ चार थे उधर समझ रहा हूँ। पेस्ट की वो 15-16 बन गए। वो बड़ा उसका बिचारा, उसने 2 दिन भी लग के काम किया था क्यूए की ये टीम। आज के लेक्चर में डिस्कस हो रही है चीज़ की, तब आपने क्या करना है। अच्छी बात है आपने पहले डिस्कस कर दिया, आज के लेक्चर में चीज़ डिस्कस हो रही है कि उस केस में फिर आपने क्या करना है जिसमें आपने सारी ब्लेम गेम पीएम को या डेवलपर को डाल देनी है। ब्लेम गेम तो नहीं कहूँगा लेकिन अपने आप को सेफ कैसे करना है उस केस में। यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल से 100% लग रहा है कि आप ठीक हो, आपने रिपोर्ट किए थे, उसने टाइम बींग उसको नहीं चलाया, तो इस पर फिर हम आज देखते हैं कि क्या करेंगे। शुड यू प्रोसीड लेक्चर 3? हाँ, तो ये भी काफ़ी बोलने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा अगेन रिपीट कर दूं, पहले दो लेक्चर में से कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट रिलैक्स। कल की क्लास की श्योरिटी उस तरह नहीं है लेकिन अगर मैं इंशाल्लाह जल्दी 3-4 तक आ गया तो शाम में आप लोग अवेलेबल होते हो शाम में हम लोग अवेलेबल तो मैं होंगे जी व्हाट्सएप पे जी पिंग करता रहूंगा आपको, व्हाट्सएप पे पिंग करता रहूंगा इन केस मैं अवेलेबल हुआ तो, ताकि वीक का हमारा जाया ना जाए। लेकिन मैं कह ही रहा हूँ कि पहले दो लेक्चर से भी कोई भी इशू कंसर्न होता है तो ये ना समझना कि लेक्चर आगे जाए जा रहे हैं तो जाए जा रहे हैं, हम किसी भी टाइम वापस आ सके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, राइट। चाहे जी लेक्चर ही रिपीट करना पड़ जाए, मैं इसमें उस तरह का नहीं हूँ कि जल्दी भागे जाओ और हमें पता लगे जब क्विज का टाइम आए या असाइनमेंट का तो चीज़ ना होगी वो। ऑल राइट। जी सही अच्छा आज जो हमारा एजेंडा है, आज हमने डिस्कस करना है टेस्ट प्लान को, कि टेस्ट प्लान क्या होता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम क्यूए परस्पेक्टिव। अगेन अगेन अनफॉर्चुनेटली एंड अनलाइकली पाकिस्तान में अगेन इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और कहते हैं कि डायरेक्ट टेस्ट केसेस पे फोकस करो, प्लान ना बनाओ। लेकिन अगेन मैं बात रिपीट करूंगा, कोई भी चीज़ अगर आप प्लान के बगैर करोगे, स्ट्रैटेजी के बगैर करोगे और ब्लाइंडली करोगे तो आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। लेकिन आपको इन्फोर्स करानी पड़ती कुछ चीज़ें, तो आपने इंशाल्लाह इस पे काम करना है और टेस्ट प्लान बनाना है जिस कंपनी में भी आप जाओगे। अगर वहाँ पे काम नहीं हो रहा तो आपने इन्फोर्स करके उनसे कहना है कि टेस्ट प्लान की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एडवांटेजेस भी देखेंगे, प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी आज करेंगे, मैं आपको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट स्काटा का टेस्ट प्लान दिखाऊंगा भी, उस पर डिबेट करेंगे। टेस्ट प्लान और टेस्ट केसेस जो कि कैंडिडेट हमेशा मिक्स करते हैं और इंटरव्यू में मार खाते हैं गलत डेफिनेशन बता के, इसका हाई लेवल डिफरेंस देखेंगे। और लास्ट में इंशाल्लाह एक असाइनमेंट आपको पुट करके दूंगा कि जो हमारी असाइनमेंट नंबर होपफुली आज होगी, देखते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी लेक्चर है, होपफुली आज पूरा ये कवर हो जाए। तो ऑल गुड, कोई पहले से आइडिया के टेस्ट प्लान क्या होता है? कसम भाई, मेरे ख्याल से जो टेस्ट केसेस पे हम जो काम करेंगे वो काम किस तरह से करना है तो वो टेस्ट प्लान में आएगा। अच्छा तावेज भाई आप बताओ, आसिम ने अभी बात की है जो मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ, फिर रिलेट कर दिया टेस्ट केसेस से जो मैं चाह नहीं रहा था। टेस्ट केसेस बहुत बात की चीज़ है, ये भी हम बेस सीख रहे हैं। जी तावेज ये भाई जो टेस्ट प्लान होगा हम उसमें पहले रिक्वायरमेंट को जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या यूआई के से रिलेटेड है हम उसको पहले एनालाइज करेंगे और कुछ उसके सिनारियोज बना लेंगे कि हमें टेस्ट प्लान इस तरीके से लेके चलना है, ये चीज़ हमने इसमें टेस्ट करनी है। जो हमने टेस्ट करनी है वो हम उसके अंदर ये ना पहले सबसे लिखेंगे ये टेस्ट हो सकती है, इसको हमने आगे लेके चलना है, प्रोसीड करना है, एग्जीक्यूशन के ऊपर ले जाना है। सही, तो लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ टेस्ट प्लान। पहले एक जेनरिक सा रिव्यू देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है, फिर उसको उर्दू में बताता हूँ और उसके बाद आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। अ टेस्ट प्लान इज अ जनरल डॉक्यूमेंट फॉर एंटायर प्रोजेक्ट दैट डिफाइन स्कोप हेलो उर्दू में। ओहो नेट तो नहीं चला गया, जी, चला गया था या आपने स्कोप तक पढ़ा था हाँ उसके बाद चला गया था। वो रीचेक हुआ है, मुझे आवाज़ आ गई थी पिंक सी, पर ये हार्डली 5 to 6 सेकंड लेता है। मैंने असल में शुक्र है डायरेक्ट इनेबल किए हुए, तो बीच में अब जो पहले 4-5 मिनट की ब्रेक आती थी वो नहीं आती, कम से कम वो पीटीसीएल से कासिम पे चला जाता है, कासिम से पीटीसीएल पे आता है, अगर डायवर्शन हो भी तो दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले जहन में ये रखें, ये डॉक्यूमेंट
इंटायरली डील करता है क्यूए के बंदे के साथ. ये आपने आपकी टीम के बंदे ने बनाना है, जो कि सीनियर बंदा होगा, लीड पोजीशन पे होगा. टेस्टिंग का स्कोप क्या है वो लिखेगा, कौन सी अप्रोच यूज हो रही है. ये एक स्ट्रेटजी है, किस चीज़ की स्ट्रेटजी है कि आपने आने वाले टाइम में जो टेस्टिंग करनी है जिस प्रोजेक्ट की उस पर कैसे अप्रोचेज यूज होंगी, उसका स्केड्यूल क्या होगा, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कौन कौन से बंदे रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन सी टेस्टिंग टाइप्स होगी. बात समझ रहे हो? जी. मतलब मैं अगर सम अप करूं, टेस्ट प्लान एक, अगर अगर आपने इंटरव्यू में बताना हो तो उर्दू में मेरी बात को समझें, क्योंकि मैं कभी भी रट्टे पे मैं आपको नहीं कहूंगा कि ये रट्टा मारो. आप उर्दू में समझो, उसको ट्रांसफॉर्म करो अपनी इंग्लिश में. वैसे मुझे कुछ आवाज आ रही है आपको? जी कासिम भाई. जी अब आ रही है. मैं कह रहा हूँ टेस्ट के प्लान के आइडिया हुआ कि है क्या? जी कासिम भाई, काफी हद तक. ओके. इसकी समरी लिखी हुई है. इट इज बेसिकली ओवरऑल अप्रोच ऑफ योर टेस्ट सिनेरियोस के आपने करना क्या है. समरी आप बताते हो कि मैं ये काम करूंगा, बुलेट वन, बुलेट टू, बुलेट थ्री. कुछ 14 से 15 पॉइंट्स मैंने आपको दिखाने हैं जो कि टेस्ट प्लान का पार्ट होंगे, चाहे वो कोई भी टेस्ट प्लान हो, और उसकी बेस पे फिर आपको प्रैक्टिकल करवा के एक असाइनमेंट दूंगा. शुड बी रिव्यूड बाय सीनियर मैनेजमेंट और बिजनेस हेड. जब आप ये बना लेते हो, आपसे मुराद है कि जो आपका क्यूए के लीड बंदा होता है. समटाइम ऐसा होता है कंपनी छोटी होती है, वहाँ एक ही क्यूए इन्वॉल्व होता है, तो आपको खुद ही बनाना पड़ता है. समटाइम पूरी हायरार्की फॉलो हो रही होती है कि कोई क्यूए इंटर्न होता है, कोई जूनियर क्यूए होता है, सीनियर क्यूए होता है. बात समझ रहे हैं? जी का जी. तो ये वाला डॉक्यूमेंट आपका क्यूए का जो लीड होगा वो बनाएगा. उसकी रीजन भी मैं बताता हूँ. और लाजमी ये डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा आपके सीईओ से, बिजनेस हेड से, सीनियर मैनेजमेंट से. देखिए मैंने बुलेट लिखा हुआ है, शुड बी रिव्यूड बाय सीनियर मैनेजमेंट, ताकि आपने जो जो बातें लिखी हैं वो पहले से आपकी मैनेजमेंट ने देखी हुई हो. ये ना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए तो फिर फिंगर पॉइंटिंग स्टार्ट हो जाए, तो मैंने लिखा नहीं था, ये तो था. तो इसलिए डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड जो भी डॉक्यूमेंट ये बना रहा है, ही और शू शुड बी क्लेवर एनफ कि वो क्या लिख रहा है. क्योंकि एक दफ़ा जो आपने लिख दिया और सीईओ या सीनियर मैनेजमेंट का बंदा ने उसने अप्रूव कर दिया, फिर आप फंस भी सकते हो और बच भी सकते हो. अगर तो उसमें वो चीज़ नहीं होगी और आपको वो चीज़, फॉर एग्जांपल एक टेस्टिंग टाइप है आपने परफॉर्म नहीं की और आप कहते हो मैंने टेस्ट प्लान में लिखी नहीं थी, तो आप बच जाओगे. लेकिन अगर आपने टेस्ट प्लान में वो चीज़ लिखी हुई है और आप वो नहीं परफॉर्म कर पाए, तब आप फंस भी सकते हो, जो कि हम देखेंगे आगे जाके क्या है. बात समझ आ रही है ना? जी का समझ. जी. इसका फायदा क्या है? एक आपके पास एक गाइड सी आ जाती है जो कि आपको पूरी डेवलपमेंट की टेस्टिंग के दौरान हेल्प करती है कि आपने डिस्कस किया क्या था स्टार्ट में. मतलब कहीं आप फंसते हो तो आप बिल्कुल जीरो पे चले जाते हो कि मैंने लिखा हुआ क्या था, अच्छा यहाँ पे मैं ये चीज़ करूँगा तो मैं अपने जिस चीज़ में फंसा हुआ वहाँ से बाहर निकलूंगा. मतलब एक गाइड सी होती है जो कि इंशाल्लाह आप प्लान अभी देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. एक वैल्यूएबल रिकॉर्ड आता है कि क्या क्या टेस्टिंग आपने करनी थी, कौन सी टेस्टिंग टाइप थी, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, रिग्रेशन, स्मोक, डीबी, मंकी, सैनिटी, जो कि लेक्चर 4 में इंशाल्लाह पूरा हम देखेंगे. Entire test plan or case can be used while regression. Any one of you any idea ke what is regression testing? Mashhoor zamana, bahut word sunoge aap. Jab bhi professional life mein jaoge ye word aap bahut sunoge. Regression testing ki hai ki nahi? Regression ka result kya hai? Koi idea hai kya hoti hai? Kaise mujhe hai thoda bahut idea. Bataye thoda sa bataye kyunki abhi iski zarurat nahi hai. Lecture 4 pura testing type ke upar hai. Lekin thoda bahut bata de. Regression testing जो मैं आसान है उसमें कहूँ कि तो आपकी टेस्टिंग हो चुकी होती है उसको बार बार टेस्ट करने को. री या री टेस्टिंग जो वर्ड होता है कि आप जो अपने टेस्ट केसेस को बार बार चलाते हो पुराने. हाँ बार बार ठीक है, लेकिन नॉट दैट. या रिया या वो कह रहे हो कि आप जो रिपीट करते हो एपिसोड. बिल्कुल ठीक रहे हैं कि इसमें आपने जीरो से अगर कोई आप नया मॉड्यूल ऐड करते हो अपने पुराने में या कोई बम फिक्स करते हो तो आपको
ये चीज़ चेक करने के लिए कि जो चीज़ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने फिक्स की है, उसके फिक्स होने से कोई पुराने फीचर में कोई इंपैक्ट तो नहीं आया। तो आप जीरो से अपना टेस्ट केस दोबारा स्टार्ट करते हो, रिपीटेडली टेस्टिंग करते हो, और इस पर बहुत टाइम लगता है। इसलिए अच्छा, इस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ से सॉरी तो मुझे इसके एग्जाम्पल जो मुझे याद आई जो मैं पढ़ी थी अभी मुझे वो याद, वो ये थी कि जैसे मैंने टेस्टिंग की मेरा चार बग आ गए, नहीं मैंने टेस्टिंग की मेरा चार फंक्शनलिटी थी, चार की टेस्टिंग की, तीन सही थी, एक में बग आ गया, मैंने रिपोर्ट कर दिया, डेवलपमेंट टीम ने उसको जो ना रिपेयर किया, मुझे दे दिया, मैंने उस जो ना चौथे वाले की तो टेस्टिंग करूंगा ही, उसके बाद वो चारों की भी टेस्टिंग करूंगा दोबारा कि इसकी जो मैं ये बग फिक्स हुआ है इसकी वजह से बाकी तीन पे तो इफेक्ट नहीं आ रहा कोई इसका। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये वाली चीज़ है। और जब मैं आपको टेस्टिंग के असाइनमेंट दूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आप याद ये रखो कि आपको दोबारा से रिपीटली टेस्टिंग करनी पड़ती है, और ये मैनुअल के लिए बड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, आप फंस जाते हो यार कितना काम करके। इसलिए यही वजह है फिर हम ऑटोमेशन टूल पर जाते हैं ताकि रिग्रेशन हम स्मूथली कर सकें, वरना आपके 10-12 दिन से रिग्रेशन में लग जाए, इतनी बड़ी चीज़ है ये। वो हम जब टाइप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे। तो एडवांटेजेस थोड़े से ही हैं जो आपको प्लान से भी आइडिया हो जाएंगे। बाकी एक मैं आपको रेफरेंस डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, उसके बाद स्लाइड नंबर 7 एंड पे आऊँगा कि टेस्ट प्लान और टेस्ट केस का डिफरेंस क्या है। कीप मी अपडेटेड जब आपको मेरा वो शो हो रहा हो, क्या कहते हैं, टेस्ट केस का डॉक्यूमेंट मैं खोलने लगाऊँ, जो कि काफ़ी अब डिबेटेबल पॉइंट है और इस पर डिस्कस करेंगे हम। कसम है आपकी आवाज चली गई। स्क्रीन तो नहीं रुकी, हाँ रुकी, वो नेट ही स्विच कर गया। नजर आ रहा है जी का? नहीं अभी तक तो नहीं है, स्लाइड नहीं आ रही कोई। अब आ गया कासिम भाई डॉक्यूमेंट। जी आ गया। होते हैं क्या मॉड्यूल होते हैं आपस में, आपस में वैसी जनरल सी डिस्कशन करो, मैं बस एक दो मिनट में पानी पी के आ रहा हूं। हाँ जी देयर जी कासिम भाई, स्क्रीन विजिबल और नहीं? विजिबल नहीं, ये बंद कैसे हो गई समझ नहीं आया। अच्छा खैर, डॉक्यूमेंट नजर आए तो प्लीज दोबारा बताइएगा। जी आ गया। अच्छा अब आपने करना ये है कि रिकॉर्डिंग तो लगी हुई विच इज फाइन, लेकिन आपने नोट्स लेने के लिए एक पेन और एक नोटपैड पास रखना है, ताकि हेडिंग कम अज कम आप लोग जो भी आपका टेस्ट प्लान होगा फ्यूचर में आप करोगे या मैं असाइनमेंट दूंगा तो मोर लेस आपका ये ही हेडिंग काम आएंगी। हेडिंग याद हो तो वही वाली बात है कि आप अंदर लिख सकते हो। सबसे पहले एक कोई
जो मीनिंगफुल आपका प्रोजेक्ट का नाम का लोगो है वो आप पुट करोगे ऊपर, मतलब ये चीज़ें वो हैं जो थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं, लेकिन बताना मकसद है कि कोई भी जो एक्स वाई जी नाम है आप वो डालोगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। हेडिंग नंबर वन, आप अपनी टीम का इंट्रोडक्शन दोगे, तो आप लिखोगे ये नंबर वन अपने बुलेट डाल के लिखो टीम इंट्रोडक्शन, राइट। मैं आपको सिर्फ हेडिंग डिक्टेट करवाऊंगा, यहाँ पे हेडिंग कम है लेकिन मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ कि यहाँ पे सब हेडिंग की हुई है, उससे आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। तो नंबर वन हेडिंग समझ आ गई, टीम इंट्रोडक्शन जी, उसमें आप अपनी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस करवाओगे, कौन जो आपका क्यूए का लीड है, जिस तरह एग्जांपल ताबिश भाई या आसिम में कोई बंदा क्यूए का लीड है, काम कर रहा है, मैंने कहा टेस्ट प्लान बनाओ, तो आप बताओगे ये मेरा पीएम है, ये मेरे आईटी डेवलपर हैं, पूरी टीम से मुराद है जो पूरी टीम के स्टेक होल्डर हैं, नॉट स्पेसिफिकली क्यूए टीम, पूरी टीम से जब मैं कहूँगा तो उसमें डिजाइनर डेवलपर क्यूए सब आ रहे हैं, जिसमें आईटी डेवलपर एनालिस्ट सब लिखा हुआ है कि ये पीएम है, ये डेवलपर है, चाहे तो आप डिजाइनर भी लिख दो, लेकिन इसमें सिर्फ डेवलपर हाईलाइट किए हुए हैं कि उस्मान इकराम, राशिद हारिस डेवलपर हैं और काशिफ सारा मोहसिन क्यूए हैं, राइट जी। इट्स अ प्रीटी बेसिक थिंग, इस पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, ये था हमारा था कि टीम इंट्रोडक्शन। बाकी वर्जन 1.0 ये वैसे ही है, आप ऑब्वियसली लिखोगे क्योंकि वर्जन इसकी काफ़ी चेंज होती रही है ये, लेकिन बुलेट नहीं है। बुलेट नंबर 2 है आपका डॉक्यूमेंट लॉग, राइट, लिख लो अपने पास बुलेट नंबर 2 डॉक्यूमेंट लॉग, ठीक है जी। हेलो, यस नो प्लीज किया करें सर। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट बना कौन रहा है, उसका डेजिग्नेशन क्या है और डॉक्यूमेंट का वर्जन क्या है, किस डेट को बना, जिस तरह आप देखो काशिफ ने बनाया क्वालिटी शोर, उसके डेजिग्नेशन है वर्जन 1.0 और कौन सी डेट थी 14 अप्रैल, किसने रिव्यू किया, आसिफ जब्बार ने, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि जो भी रिव्यू करेगा उसका डेजिग्नेशन या तो वो बिजनेस हेड होगा या सी होगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, उसने रिव्यू किया वर्जन 1.0 रहा। उसके बाद काशिफ जो उसका मेन क्यूए था उसने इसको अपडेट किया, ताबिश में क्या जरूरत पड़ी होगी अपडेट करने की? काशिफ में कोई रिक्वायरमेंट ऐसी होंगी जो अधूरी होंगी या जो समझ में नहीं, उसकी अपडेशन उसके अंदर से की होंगी, या कोई ऐसी फंक्शनलिटी जो ऐड नहीं होगी, या कुछ चीजों को हटा दिया होगा, या कुछ प्लानिंग ऐड की होगी, टेस्ट प्लान मकसद टेस्ट सिनेरियोस या टेस्टिंग के कुछ जो चीजें होती है फ्रेमवर्क्स, वो चीजें ऐड की होंगी। अच्छा, जब सीईओ ने या बिजनेस हेड को रिव्यू किया तो उसने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की कि यार इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं जो कि मैंडेटरी हैं, जो कि तुमने नहीं लगी, उसके बाद काशिफ ने इसको चेंज करके वर्जन 1.1 कर दिया। ऑलराइट जी, सही। हेलो, ठीक है, मतलब ये 1.1 क्यों, क्या हुआ जी? सही है, बारी आवाज नहीं कट गया है, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, आवाज आ रही है, कनेक्टेड है यार, कटा नहीं है, मैंने साथ खोला है पॉप पे, कनेक्टेड सिक्योर दिखा रहा है पीटीसीएल बीबी जी। अब आ रही है आवाज, नहीं मैं से आवाज ना वो हो रही है, तो माइक खुला हुआ है क्या? वो कोई एक मिनट, मुझे लग रहा है कि डिवाइस ना की बैटरी जा रही है। हेलो जी, कहाँ से भाई? ताबिश भाई और आसिम, आपकी साइड कनेक्ट का इशू तो नहीं है? मेरे एक्सीलेंट सिग्नल आ रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, क्योंकि मुझे आप लोगों की ये आ रही है कि बैटरी के सिग्नल जा रहे हैं, इस तरह की चीज समझ आ रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप लोग बोल एग्जैक्ट कह रहे हो, मेरी आवाज आपको क्लियर आनी चाहिए, आ रही है जी? अभी आ रही है आपके क्लियर, और स्क्रीन भी शेयर्ड है? नहीं, मेरे पास शेयर नहीं है। हां, वो आ रही है, वर्ड डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है जी? अब आ रहा है, चलें, गुड है। तीसरी हेडिंग होती है आपकी जिसको आप कहते हो इंट्रोडक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन, ये आम इंट्रोडक्शन नहीं है, ये आपका जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी वेब एप्लीकेशन है या मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कि वो चीज़ क्या है, समझ रहे हो जी? इस पे आप बताओगे
एक ओवरव्यू सा कि आप बनाना क्या चाह रहे हो जिस तरह, और ये आपको कैसे पता लगेगा, कहाँ से हेल्प लोगे, अब आइडिया होगा आपको कितना समझ आ रहा है। आसिम बताएगा मुझे आपको कैसे ये इंट्रोडक्शन जो आप डालोगे, जो क्यूए के बंदे ने डाला हुआ है, ये कहाँ से हेल्प लेगा कि ये इंट्रोडक्शन है। कसम भाई, ये स्टेक होल्डर्स के थ्रू मिलेगा इंट्रोडक्शन, क्यों क्या बनवाना चाह रहे हैं एप्लीकेशन में। एक तरह से सही हो लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, शायद तविश भाई बता दें हमें कैसे पता लगेगा कि ये ओवरव्यू है एप्लीकेशन का या ये इंट्रोडक्शन में डालना है। SRS से एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, कि कितना पुराने से आप कनेक्ट करो, डॉट से डॉट जुड़ेंगे, SRS बनी हुई होगी, आप सारी मीटिंग्स में इन्वॉल्व हो। मैंने आपको पहले बताया आप कोई जिस तरह एक कंसेप्ट है क्यूए का बंदा वेला होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं स्क्रम में भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, आप मॉकअप भी बना रहे हो, आप अपने SRS से ओवरव्यू डालोगे कि आपको क्या समझ आई हुई है। उसमें भी हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ आई हुई, जिस तरह देखो कुछ येलो हुई हैं, कुछ रेड हुई हैं, लेकिन जो इंटरव्यू में आप आंसर दोगे वो आप SRS बोलोगे। आसिम अपनी जगह ठीक बोल रहा था कि स्टेक होल्डर से, लेकिन दैट वाज नॉट करेक्ट आंसर, तबिश भाई वाज राइट कि आप SRS से ओवरव्यू डालोगे। अब जितने भी लेक्चर ऑर्गेनाइज हुए हैं ना, ये डॉट से डॉट कनेक्ट हुआ है, मैं जब भी ये पूछूंगा ना पुराने लेक्चर वो रेफरेंस में दे रहा हूँ। गुड, वेरी गुड तबिश भाई। अच्छा, अब उसने एक ओवरव्यू लिख दिया कि स्कार्टेक वेब एप्लीकेशन है, जो पोर्टल है ऑनलाइन कस्टमर के लिए, जहाँ पे आप मैनेज करते हो एम्प्लॉयज़ को, स्टूडेंट को, यूजर्स को, अटेंडेंस लगाते हो, फिर इसके मेन फीचर बिल्कुल हाई लेवल पे, ये नहीं कि पूरी SRS लिख देनी, हाई लेवल पे है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी मिलती है, कस्टमर फ्री साइन अप करता है, कस्टमर यूजर ऐड कर सकता है एज मैनी, ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें अब एक चीज़ है कि उसने ना कुछ चीज़ों को येलो किया हुआ है और कुछ चीज़ों को रेड करके लाइन ब्रेक किया हुआ है, दोनों में से कौन बताएगा कि येलो वाली, हालांकि कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि आपको क्या समझ आती है, येलो क्यों किया हुआ है और रेड क्यों किया हुआ है। असल में येलो क्या हुआ है, उसे जो कैटेगराइज करते हैं ना यूजर्स को, या जो चीजें यूज करें, तो वो तीन तरह के यूजर्स ने मेरे ख्याल से, और हाईलाइट यूं किया हुआ है कि स्टूडेंट्स है, कि मतलब ये लोग जो है यानी कि ये एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, और बाकी देयर एम्प्लॉयज जो हैं, ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं कस्टमर के एंड कस्टमर टू गेट देयर, ये लोग जो है यानी बैक एंड पे काम करेंगे उसके, यानी कि अच्छा इसके एम्प्लॉय होंगे। इसका बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि जब क्यूए का बंदा या क्यूए का लीड या जो भी XYZ बंदा है, जब ये डॉक्यूमेंट लिख रहा है, तो कुछ जगह पे वो अनसर्टन है, अनसर्टन मतलब उसको श्योरिटी नहीं है कि ये वाकई ऐसा होगा नहीं, तो उसने हमें भी आपको याद होगा जब हम कोई चीज़ एग्जाम के लिए तैयार करते थे, कुछ मेन मेन चीज़ों को एम्फसाइज करने के लिए हम हाईलाइटर से हाईलाइट करते थे, तो उसने येलो इसलिए किया है, ये मतलब बेसिक सी चीज़ है, बताना मकसद नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक नेमिंग कन्वेंशन कह लो या समझने का तरीका है, कि जब CEO या बिजनेस हेड मुझे बुलाएगा कि तुम्हारा टेस्ट प्लान मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो आपको रन टाइम पे जहन में नहीं आता कि मैंने, क्योंकि काशिफ ने बनाया था, काशिफ इस बनाओ मैं गुड फ्रेंड, तो मुझे पता है उसने ये क्यों किया, इसलिए मैं आपको पोर्ट्रेट कर रहा हूँ कि आप लोग भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कि जब आपको पता है कि आपकी बिजनेस हेड से या CEO से मीटिंग है, तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी डालनी है अंदर कि आपको राइट अवे क्वेश्चन याद आ जाए, कि डॉक्यूमेंट सामने खुला हुआ हो, तो समटाइम नहीं बंदे को याद आ रहा था क्या पूछना है, तो येलो पे उसने वो ये पूछना है कि ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए या स्टूडेंट यूजर्स भी इसमें आएंगे, तो उसने इसको मार्क किया ताकि रन टाइम में मुझे फ़ौरन से क्वेश्चन याद आ जाए। फिर जो रेड हुआ है, ये CEO ने उसकी फीडबैक दी है कि एम्प्लॉयज तुम का वर्ड यूज़ ना करो, उसको जेनेरिक रखो, कि एम्प्लॉय भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, यूजर भी हो सकता है, तो दैट इज़ द CEO's आंसर। तो ये सिर्फ इस तरह की डिबेट है, आई होप समझ रहे हैं बात जी। सही, कि सिर्फ इम्फेसिस के लिए और आगे से CEO की फीडबैक के लिए कि उसने कटवा दिया, और पूरा क्यों नहीं हटवाया, ताकि वर्जन जब चेंज हो तो याद हो कि पहले वर्जन में इस तरह था, फिर जब 1.1 आया तो उसमें ये चीज़ कटी हुई आई, राइट? सही। ताज भाई जी, कासिम भाई जी, अच्छा हेडिंग नंबर कौन सी होगी अब? फोर्थ आई गेस, फाइव नहीं, फोर होगी। पहली थी इंट्रोडक्शन, दूसरी थी डॉग लॉग, तीसरी थी इंट्रोडक्शन ऑफ साइट, चौथी है पर्पस। फाइल तो नहीं है, पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, कि इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, कि हम क्यों बना रहे हैं। अगेन वही वाली बात, के जिस तरह मैंने आपको बताया था कि टेस्ट प्लान का बेसिक डेफिनेशन क्या है, कि दी डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट होगा स्कार्टा का, जो कि ओवरऑल स्ट्रेटजी बताएगा कि स्कार्टा में कैसी टेस्टिंग हो रही है, स्कोप क्या है टेस्टिंग का, कौन से रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से मेथड यूज़ हो रहे हैं,
इसका एक और पर्पस भी है जहाँ पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन अपने पास आप याद रख लेना, रिकॉर्डिंग सुन लेना या नोट्स ले लेना, कि जब भी कोई एक नया रिसोर्स मेरी टीम में आता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ताबिश भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं 3 साल से, ताबिश भाई कहते हैं यार मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने रिज़ाइन दे दिया है और ताबिश भाई जाने वाले हैं और मैंने नया रिसोर्स हायर किया है जिसका नाम आसिम है। अब आसिम आ रहा है मेरे पास, अब बजाय इसके कि आसिम से मैं कहूँ कि यार ये प्रोडक्ट है इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दो, मैं कहूँगा आसिम ये डॉक्यूमेंट है, टेस्ट प्लान बना हुआ है, इसको समझो इस पर क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ताबिश भाई की क्रेडिबिलिटी भी आएगी कि ताबिश भाई ने कितना अच्छा ही लिखा हुआ है, ये वैसे तो सीईओ ने प्रूव किया हुआ तो मतलब है कुछ बेटर ही होगा। तो आसिम इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, फिर 2-3-4 घंटे पूरे दिन के बाद या अगले दिन मैं पूछूंगा जी आसिम आपको क्या समझ आई, इसका आटा क्या है, ये क्या करता है, तो आसिम ने कुछ ना कुछ मुझे इनपुट देगा कि ये लिखा हुआ है। तो ये भी एक पर्पस हो सकता है कि एक नया रिसोर्स जो आ रहा है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, बजाय इससे कि आप डेमो दो उसको, आप कहो कि इसको पढ़ो और इस साइट को ऑपरेट करो तुम्हें क्या समझ आता है। रेडिंग माय पॉइंट जी जी का, लेकिन मेन पर्पस विल रिमेन सेम कि आपका डॉक्यूमेंट का जो पर्पस है दैट इज ओवरऑल स्ट्रेटजी अडॉप्टेड स्कोप रिसोर्सेज ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, दिस इज योर हेडिंग नंबर 4th, राइट, प्रीटी सिंपल जी। अब आते हैं इन स्कोप पे जो होगी हमारी हेडिंग नंबर 5 कि स्कोप ऑफ टेस्ट अप्रोच, हमारा स्कोप क्या होगा, टेस्ट करने का तरीका क्या होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग Whoever is making this document should be clever enough कि वो स्कोप में क्या डाल रहा है, ये चीज़ आपको बचा भी सकती है, ये चीज़ आपको फंसा भी सकती है, तो मेक श्योर कि वो चीज़ लिखो जो कर सको एफिशिएंसी के लिए, ये नहीं कि मैं ये भी करूँगा, क्योंकि अब कॉमन से एग्जांपल देता हूँ, अब स्काटा जिस तरह की एप्लीकेशन है, चलें अगली हेडिंग आ रही है उस पर देता हूँ तो ज़्यादा सेंस बनेगी। स्कोप में क्या लिखा है कि वेब एप्लीकेशन है, फ्रंट एंड और एडमिन में मैं कस्टमर साइनअप चेक करूंगा, यूजर मैनेजमेंट चेक करूंगा, और आगे उसने ब्रैकेट में लिख दिया कौन सा फीचर फ्रंट एंड का है, कौन सा फीचर बैक एंड का है, डिवाइसेस के स्टेटस चेक करूंगा, ऑर्डर का स्टेटस चेक करूंगा, अपडेट कस्टमर होगा। आप अपनी असाइनमेंट के मुताबिक या जो चीज़ मैं आपको दूंगा आप अकॉर्डिंगली लिखोगे आपका स्कोप क्या है। स्कोप सिंपल वो चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ जो कि आप SRS से गेट करोगे कि ये मेरे स्कोप का पार्ट होंगे, मेरी बात समझ रहे हो, और उसमें कोई एडिशनल चीज़ डालने की जरूरत नहीं है कि आप फंसो, ठीक है। हेडिंग नंबर 6 आती है QA रिसोर्सेज, QA यार आउट ऑफ स्कोप मैंने अलग क्यों लिखा हुआ है, एक मिनट देना, इन इसको शायद आगे पीछे कर दिया, चलो खैर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। QA रिसोर्सेज, अब इसमें आपने सिर्फ QA रिसोर्सेज लिखने हैं, नॉट इंटायर टीम के, फॉर एग्जांपल अब ये स्काटा बहुत बड़ा सिस्टम है, इसमें वेबसाइट भी है, इसमें मोबाइल भी है, इसमें डेस्कटॉप भी है, मतलब आप तीनों काम करते हो, तो मैंने लिखा हुआ है काशिफ और मोहसिन जो है मेन रिसोर्स हैं, सारा उनका बैकअप है। आसिम बैकअप की जरूरत क्यों होती है मुझे प्रोजेक्ट में, आसिम जी कासिम भाई मैं एक मिनट, ताबिश भाई आप बता दो अपना। हाँ कासिम भाई बैकअप की जरूरत इससे होती है, एक तो वो बैकअप समय ये बता दे जिसने वो डेवलप किया या डेवलपर जो उसको ये ना मकसद हमें जो टेस्ट केसेस या कोई इस टाइप की चीजें जो हमने लिखवानी है या कोई ऐसा इशू जो छोटा है हम किसी बड़े काम पे ये ना काम करें हम उसको बैक रिसोर्स पर डाल देंगे या ये काम तुम कर लो या के हम कुछ और काम में कहीं बिजी हैं बस उसको, या फिर ये कि हमें कहीं पे उसकी जरूरत पड़ गई है तो हमने उसको वो कर लिया इंगेज कर लिया गया यार तुम फ्री बैठी हो जो काम करो उसको छोड़ कर हमारे साथ ये काम करो हमारा। एक पॉइंट ये भी हो सकता है लेकिन इसका मेन आंसर ये कि हर इंसान की लाइफ में खुशी गमी लगा रहता है, तो कल को अगर ताबिश भाई छुट्टी ले रहे हैं तो कोई ऐसा बैकअप रिसोर्स ट्रेंड हो जिसको स्काटा का पता हो, ये ना हम कहें ताबिश भाई आप तो छुट्टी ले नहीं सकते आपके अलावा ये काम कौन करेगा, तो इसलिए हम बैकअप करते हैं कि अगले बंदे को भी उस डोमेन का नॉलेज हो, जिस तरह आप ताबिश भाई को मैंने प्रोजेक्ट पर लगाया हुआ है, मैं कहूँगा ताबिश भाई आसिम को साथ ट्रेन करो, कल को आपने आपकी शादी आ रही है 7 दिन की आपने छुट्टी लेनी है, तो कम अज़ कम जो आसिम है वो लुक आफ्टर कर ले, ये नहीं हम वेट करें ताबिश भाई आएंगे 7 दिन बाद तो काम स्टार्ट होगा, बात समझ रहे हैं ना। That's why you engage backup resource के एक second person को आप तैयार रखते हो, खुदा ना खाता resign, private company है ना कोई भी resign put कर दे हमें क्या पता, तो हमारा अगला resource तैयार हो कि हाँ ये test मैं कर सकता हूँ। तो ये तो project वैसे काफ़ी बड़ा था इसलिए इसमें दो दो तीन तीन resources के backup रखे हुए हैं कि web अगर हो रही है तो web में main resource काशिफ और मोशन है backup पे सारा है, mobile application पे सारा और काशिफ main है backup पे मोशन है, ताकि सब पता लगता रहे QA की टीम को हम सिंक हैं आपस में, और वैसे भी आपको सिंक होना चाहिए, कोई सिर्फ QA के लिए नहीं कह रहा, मैं भी जब एज अ पीएम काम करता हूँ तो अगर मेरे पास 4 प्रोडक्ट तो मेरी कोशिश होती है 4 के 4 मेरे किसी और पीएम को भी पता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में काशिफ और मोहसिन है बैकअप सारा है, ये है क्या इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, जब स्काटा हम करेंगे या इससे रिलेटेड कोई चीज़ करेंगे तो आपको बताऊँगा। कितनी हेडिंग हुई है अभी,
सिक्स सेवंथ हेडिंग है आउट ऑफ स्कोप. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप यहाँ पे बता रहे हो कि ये चीज मेरी टेस्टिंग का पार्ट नहीं है. यहाँ पे आपको बहुत क्लेवरली काम करना पड़ता है. समटाइम आपको लगता है कि यार कंपनी बुरा मान जाएगी कि मैं काम से भाग रहा हूँ यार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. आप अपने आप को डिफेंड, जिस तरह आप देखो इसने क्या लिखा हुआ है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन, कि स्काटा जब बन गया है और अब मैं स्कूल में डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ तो ये क्यूए का काम नहीं है. आपका काम मार्केट का तो नहीं है, एग्री करते हो क्यूए के बंदे का काम मार्केट में जाना तो नहीं है ना, वो सेल्स का काम है. नहीं जी, तो इसमें क्या होता था, इस बंदे ने ये किया कि मैं बजाय इसके कि जब स्काटा बन जाएगी चीज़ डिप्लॉय हो जाएगी तो मुझे कहेंगे स्कूल में जाकर, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है कि जो डेमो देते हैं या इंस्टॉलेशन वगैरह का बताते हैं ना, वो क्यूए के बंदे बताते ज़रूर हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे पूरे सेटअप को चलाया होता है. क्या पता एक प्रोजेक्ट में तीन डेवलपर यूज़ हो रहे हों, लेकिन क्यूए क्या पता एक ही हो, तो उसको पता होता है क्यूए को कि पूरे प्रोजेक्ट का इनसाइट आउट क्या है, क्या नॉलेज है, कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, कहाँ पे इशू है. तो इसलिए क्यूए को ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे कहा जाता है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं क्यूए से सारे काम करवा जाएं. तो ये बड़ा क्लेवर बंदा था काशिफ, जिसने प्लान लिखा है, उसने कहा डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन तो मेरा काम नहीं होगा, ना मैं करूँगा ना मुझे कहा जाए. तो उसने क्लियर कट लिख दिया आउट ऑफ स्कोप. अब कल को कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता कि तुमने, मैंने कहा था डिवाइस इंस्टॉल करो, कहकर टेस्ट प्लान देख लो मैंने अपने प्लान में क्या लिखा है. दैट डजंट मीन कि आप मिसबिहेव करो, दैट डजंट मीन कि आप वेट बिहेवियर शो करो, दैट मीन्स कि आप अपने स्टांस पे कह रहे हो कि मेरी जेडी, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ नहीं है कि मैं ये करूँगा, मैंने काम टेस्टिंग करना है. हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी टीम को हेल्प की ज़रूरत है तो आप ना करो. अगर कोई वो छुट्टी पे है जो आपका सेल्स का बंदा है या मार्केटिंग का बंदा है, तो आप इस तरह कर भी सकते हो. मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा, मैं भी बहुत दफ़ा करता रहा हूँ कि हाँ यार, क्योंकि एट द एंड तो टीम वर्क करना है ना हमने. लेकिन ये नहीं कि हैबिचुअल हो जाए, आप एक दफ़ा चले जाओ, कल को अगली 30 कंपनियाँ हैं, हम कहेंगे ताबिश भाई आसिम तुम ही जाओगे, तुम डिप्लॉय करना है, डेमो देना है, वहाँ पे पेंच कसो, पेंच करके डिवाइस को इंस्टॉल करो, दीवारों में कीले, ये आपका काम तो नहीं है ना, एग्री करोगे ना. हाँ जी, तो यहाँ पे जहाँ पे सारी वो चीज़ें आएंगी, सिर्फ एक लिखी भी, लेकिन अगर आप समझते हो ज़्यादा हो सकती हैं. लेकिन ये भी नहीं कि टेस्ट प्लान भी आउट ऑफ स्कोप, टेस्ट केस भी आउट ऑफ स्कोप, जो आपका काम है वो आपने करना है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जिसको गलत पोर्ट्रे करके हर चीज़ डाल देते हैं आउट ऑफ स्कोप पे कि हमारा काम नहीं है, फिर आपका काम क्या बचेगा. आपने लिमिटेड चीज़ें लिखनी है जो आप समझते हो कि आपकी जेडी में नहीं है. ऑलराइट जी, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि इसलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउट ऑफ स्कोप वाली जो बात है ना, ये आपको बड़ा क्लेवरली लिखनी पड़ेगी कि कंपनी माइंड भी ना करे और अपना काम भी चला लो. कल को फिर आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा. अच्छा ब्रदर, सात हेडिंग हुई हैं और सात ही बाकी हैं, जो कि टेस्टिंग टाइप्स हैं, एंट्रेंस क्राइटेरिया है, डेवलपमेंट प्लान सेटअप है. तो अब मेरा निकलने का टाइम भी करीब है, मैं इसको प्रोसीड अभी नहीं कर रहा, बट दैट डजंट मीन के करना नहीं है. डेफिनेटली कल आके स्टार्ट कर लूँगा, या जब भी मेकअप होता है तो आप कम से कम इतना हजम करो अभी फिलहाल के हमने आउट ऑफ स्कोप तक पढ़ लिया है. राइट जी, ठीक है. असाइनमेंट भी मैं, अगर कल नहीं भी आया तो मैं थोड़ी देर के लिए कॉल करूँगा लेटर आवर्स में आपको असाइनमेंट बताने के लिए, और मोस्ट प्रॉब्ली लेक्चर कम्प्लीट करने के लिए आ जाऊँ या कुछ कर लूँ, क्योंकि अभी मैंने असल में एक जगह जाना भी है, उसके बाद फिर 1 बजे निकलना है. तो मम्मी बार बार कह रही हैं लेक्चर अपलोड अभी ठीक है, माइंड तो नहीं करोगे ना यार आज, जनरली जल्दी सर्विस. ठीक है, चलो थैंक यू सो मच यार. बाकी मैं ये अभी बेस कैंप पे चढ़ा रहा हूँ, और असाइनमेंट बेसिकली आपकी, चलो अभी नहीं बताता यार, थोड़ा सा टेस्ट प्लान सेलेक्ट होगी, सोचना शुरू कर दो कि टेस्ट प्लान कैसा होता है. मैं किसी भी तरह की असाइनमेंट आपको इससे रेलिवेंट दूंगा. आइडिया हो रहा है ना प्लान में क्या चीजें हैं. अभी सिर्फ 5-6 बताई हैं, अभी रहती हैं 5-6 और. जी सही, चलो कोशिश मेरी पूरी है कि हमारा ये वीक जाया ना जाए, और मैं कल आते साथ ही 7-8 बजे आपको पिंक करूँ, ये लेक्चर कंप्लीट कर लें और असाइनमेंट कर लें, और अगर अगला थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए तो रिलैक्स ओवर द. कल ऑफ डे, लेकिन वापस कब आता हूँ ये एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन आई विल कीप इन टच ऑन व्हाट्सएप कम अज़ कम. ठीक है, आज के लिए यार बहुत माजरत, मेरी कोशिश नहीं थी कि स्किप हो, क्योंकि लेक्चर 2 शुक्र है पूरा हुआ है और 3 आधा हो गए. आई नो कि हम स्लो हैं, लेकिन यार बस ये साल ही कुछ इतना अजीब है सबके लिए, बड़े भारी भारी चीज़ें हो रही हैं, इतनी कोई फैमिली डेथ्स हुई हैं इस साल में. सिक्का निकाले सॉरी सिक्का निकाले सिक्का भी दे रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा सिक्का दिया है, अल्लाह पाक आगे बेहतर करे. अभी जमीर अख्तर साहब भी अलामा अच्छा, इसमें आप देखो लेक्चर 3 और टेस्ट प्लान दोनों अटैचमेंट नजर आ रही है हमको, पीपीटी भी और वो भी है दूसरा वर्ड, आपको दोनों मिल जाएंगे. लेकिन अगर आप लोग कहोगे मैं 0 से भी स्टार्ट करूंगा, ये ना समझना कि मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ जल्दी.
वाह सही मिला ही। हेलो जी कासिम भाई, जी कासिम भाई। हेलो हेलो नहीं अभी नहीं। यहाँ पे कहाँ था? चले मैंने क्या मेरे से चले हैं शायद चले तो